बेगम लेके घूमती हो? हाँ, सेलफोन लेके तुम कॉलेज में भी आती हो? ये रूल्स के खिलाफ है। फोन मुझे दो। भाई मिल गया। अरे ये क्या है? अरे अभी पढ़ने के दिन है, ये सब क्या है? हम भी तुम्हारी तरह किया करते थे, इसीलिए आज गेट पर खड़े हैं। चलो 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 जाओ, एग्जाम दो। अरे ये क्या है, सिगरेट के पैकेट में बीड़ी? अरे तुम लोग अपना कोई टेस्ट है कि नहीं? अच्छा ब्रांड इस्तेमाल किया करो, नहीं तो हेल्थ खराब होती है, समझ गया क्या? जाओ। डिसिप्लिन थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्या? अभी तो ये शुरुआत है, इतने रूल्स के साथ 10 सालों से टॉप 1 पोजीशन में है। इसका मतलब अ पर्सन बिहाइंड दिस कॉलेज इज मिस्टर नागी रेड्डी, एक्स मेजर एंड प्रिंसिपल ऑफ सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रॉब्लम है तुम लोगों? ये क्या है सर, एक स्टूडेंट को पकड़ कर जेल के किसी कैदी की तरह क्यों मार रहे हैं? मेरी नजर में जेल में रहने वाला कैदी या कॉलेज का स्टूडेंट दोनों एक ही हैं। जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी। तो उसे प्यार से भी समझा सकते हैं? प्यार से समझाने के लिए वो किसी बगल वाली लड़की को लेटर नहीं लिखा है, इस कॉलेज में पढ़ाने वाली लेडी लेक्चरर को लव लेटर लिखा है। अच्छी बातें सिखाने वाली लेक्चरर को आधी रात को फोन करके अश्लील बातें बोली है। ऐसे बेहुदा लड़कों से क्या मैं प्यार से पूछूं? आंसर शीट पर आंसर लिखने के बजाय शाम को मेरे साथ इंदिरा पार्क चलोगी, ऐसा उसने लिखा है। ऐसे लड़कों के साथ मुझे हमदर्दी दिखानी चाहिए थी। मेरे कॉलेज में एग्जाम में फेल होगा तो भी मैं माफ कर दूंगा, डिसिप्लिन में गड़बड़ की तो मैं नहीं माफ करूंगा। अंडरस्टैंड? जाइए। अरे अरे इसको समझाना बेकार है, बहुत जिद्दी आदमी है ये। जिद्दी विद्दी कुछ नहीं, इसी के जैसा कोई मिल गया ना तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे बुलाया? मेरा नाम अविनाश, इस एरिए का सबसे बड़ा बदमाश। Thank you.
माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटर कॉलेजिएट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, द विनर ऑफ मिस्टर राहुल, हु इज द प्राइड ऑफ आवर कॉलेज, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. नाउ आई वेलकम टू मिस्टर राहुल ऑन द डायस. Now I request Professor Bhagwant Rao ji to present a memento to Mr. Rahul. इसको क्यों मारा? इसने लड़की को लव लेटर लिखा है. हाँ लिखेगा, तुझे इससे क्या प्रॉब्लम है रे? पसंद नहीं होगा तो वो लड़की मारेगी, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो इसके माँ बाप मारेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसके बॉयफ्रेंड या भाई मार सकते हैं. तू कौन होता है बे मारने वाला? उसका भाई हूँ मैं. सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी सॉरी सॉरी सुनकर बिल्कुल ऊब चुका हूँ, समझ गए? अपने कॉलेज में एडमिशन देकर मुझसे पाप हो गया, तुम मुझे डेली एक एक्शन मूवी दिखाते हो. लेकिन सुनिए तो सर. नो फर्दर एक्सप्लेनेशन, टेक योर टीसी एंड गेट लॉस्ट. थैंक यू सर. आइए जीजू, आइए नाश्ता करते हैं. खाने के लिए बराबर तैयार रहते हो? इनकी चार इडली खाने के लिए 11 बजे तक वेट करना पड़ता है. क्या बड़बड़ा रहे तुम? नहीं कुछ नहीं, बस सांभर काफी गर्म है, बोल रहा हूँ. कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? सुबह से उठकर वही तो कर रहा हूँ ना जीजू. काम करना मुश्किल है पर काम करते देखना तो इजी है जीजू. 100 लोगों को काम करते हुए मैं अकेला ही देख सकता हूँ. मामा इसीलिए काम वाली बाई के बगल में खड़े होकर उसे काम करते हुए देख रहे थे. जीजू इस पे विश्वास मत कीजिए, ये तो मेरी मुँह की इडली भी छीन सकता है. हेलो सर. क्या हुआ? रूटीन न्यूज है, इस कॉलेज से भी अपने लड़के को निकाल दिया. क्यों? और क्या हो सकता है, ये साहबजादे ने एक फाइटिंग स्टंट किया, उसे हॉस्पिटल भेज के ये घर पे आ गया. कॉलेज में तो मैंने ही ज्वाइन करवाया था ना, तो प्रिंसिपल ने क्या किया, इंग्लिश में मुझे उल्टा सुल्टा सुना दिया, समझ में नहीं आया तो कुछ फील ही नहीं हुआ. इसे उसी को लाइफ को तुमने समझा क्या है? आखिर तुम बनना क्या चाहते हो? इसका मतलब ये भी कल से मेरी तरह काली बैठेगा. उसमें और तुम में फर्क ही क्या है? तुम ही बोलो. वो घोड़ा है और तुम गधे हो. मैंने दो गलतियाँ की हैं. वो क्या चीजों? पहली, जब गुजरात में था तो इनसे प्यार करके शादी कर ली. और दूसरी, तुम्हें घर में रख लिया, तुम्हारा भेजा खाली और उनको मेरी बात समझ में नहीं आती. घर जाने दो. सुनो, अगर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो भी किसी काम का नहीं रहेगा. कोई और कॉलेज ज्वाइन करवाओ उसे. कोई और कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलेज बचा है. उसमें एडमिशन की बात तो छोड़ो, कॉलेज में एंट्री भी नहीं मिलेगी. मुझे उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए. ट्राई करो. तुमने पहले वाले कॉलेज को क्यों छोड़ा? चुप हो जा भाई, ओवर एक्टिंग है, सर समझ जाएंगे. रैगिंग सर, देखो ना बेचारा कितना डरा हुआ है. अगर कपड़े उतार कर दीवार पर चलने को कहेंगे तो ये कैसे चल सकता है सर? अगर गिर गया तो जिम्मेदार कौन सर? What is the nonsense of the responsibility of the college of the tell me? अगर ठीक से इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में बोलो. थैंक यू सर. तुम्हें किस वजह से कम मार्क्स मिले हैं बेटा? चुप हो जा, चुप हो जा. ये हर बात में रोना क्यों शुरू कर देता है? ये काफी सेंसिटिव है सर, अभी तक ये दूध ही पीता है. चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, प्लीज प्लीज प्लीज. देखो बेटा, सारा डर निकाल दो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सी द रूल्स एंड रेगुलेशंस. कॉलेज परिसर में सिगरेट और सेलफोन निषेध है. I hate cell phone as well as cigarettes, sir. क्या? मुझे तो सेल फोन पकड़ने से भी एलर्जी है ना मामा जी? जिसका सेल उसे ही पकड़ना पड़ता है उसमें गलती क्या है? छोड़िए ना मामा जी. देख लिया ना सर आपने. ऐसे ही लड़के कॉलेज को चाहिए. पर हमें नहीं चाहिए. आप ले लीजिए. आज से कॉलेज तुम्हारा है. हैप्पीली पढ़ाई करो. थैंक यू सर. Thank you.
ये कॉलेज मेरा है। कॉलेज वॉल पर ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। ये कॉलेज तुम्हारा है क्या? तुम्हारे दादाजी या पापा ने बनवाया है? असल में तुम्हें माइंड है या नहीं? चला गया। What? तुमने पूछा ना माइंड है कि नहीं, तो बताया कि था पर अब चला गया। Are you mad? थोड़ा सा, पूरा नहीं। अच्छा सुनो, बचपन में तुमने कोई लाउड स्पीकर निकल लिया था क्या? तो ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? आंखें तुम्हारी बहुत अच्छी है और होंठ तुम्हारे फूलों की तरह है। खूबसूरत हो लेकिन वॉइस तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत लाउड है। जी 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 जी, मैच नहीं करती पता है? शट अप यू रास्कल। ए, दीवार कॉलेज की है, मार्क कर टीचर का है और लिखा उसे मैंने। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? आई विल सी योर एंड। यहीं पर रुकना, तुम्हें अभी दिखाती हूँ। ब्लडी सिक। ए, देर मत करना, जल्दी आना, टाइम नहीं है, पूरे कॉलेज की दीवारों पर लिखना है मुझे। आइए सर आइए। दिस रास्कल रोट रबिश ऑन द वॉल। हे मिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग? एक कॉलेज मेरा है, आज से यही मेरा माँ बाप है और प्रिंसिपल मेरा भगवान है। व्हाट इज दिस बेटा? आई लाइक दिस कॉलेज वेरी वेरी मच सर। आई लाइक इट। थैंक यू सर। दिस इज टू मच। अमृता, डोंट कम टू माय चैम्बर विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। देखो बेटा, अगर तुम्हें कुछ लिखना है तो नोटिस बोर्ड पे लिखो, दीवारों पर मत लिखो। ओके ओके सर। अविनाश सर, टच कर दिया। थैंक यू सर। क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था क्या? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ब्लडी यूज़लेस। इसके साथ इंट्रोडक्शन तो बड़ा धमाकेदार हुआ, आगे क्या होगा? रिंगा 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 रिंगा। हाय दोस्त। हाय। हाय राजा। ये राजा अपना क्लास। हेलो हेलो, चलो चलो। नया आया हो क्या? लगता है नया आया है। ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ये लड़की, ये भी अपने क्लास में पढ़ती है। इसका नाम अमृता है, प्रिंसिपल की बेटी है। प्रिंसिपल की बेटी है? हाँ, इसे जानता है तू? मेरी मुलाकात हो चुकी है। बाप रे, इसे संभाल कर रहना, यहाँ जो कुछ भी होता है प्रिंसिपल को सीधे ये पोस्ट कर देती है। ओहो, इसका मतलब ये बॉक्स पोस्ट बॉक्स है। गुड मॉर्निंग सर। अरे ये मुझे क्यों देख रही है, ऐसे में पढ़ाई कैसे होगी? अरे पहले क्लास में अंदर तो आने दो, गुड मॉर्निंग करने लगे। अभी 12 बज रहे हैं, गुड मॉर्निंग कैसे हुआ? बोलना है तो गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बहुत बोल लिया, बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू सर। इनका नाम है रमाशंकर। वीर ब्रह्मा जी की बातें सुनोगे तो ज्ञान बढ़ेगा और इनका लेक्चर सुनोगे तो जो ज्ञान है वो भी घटेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स के लिए दो लोगों ने कोशिश किया था। सर तीन उंगलियां हैं। तीन उंगलियां? ओ सॉरी सॉरी, दो लोगों ने कोशिश की थी लेकिन दो मार्क्स ज्यादा लाकर एक ही फर्स्ट आया, वो दोनों हैं अमृता और वेनु। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, वो है मैं ही हूँ, वेनु। Congratulations, Venu. Congratulations. Come on, come on. Thank you, sir. You are rocking man. आपके आशीर्वाद से। खुश रहो, खुश रहो। क्या अनुशासन है, क्या संस्कार है। Venu, क्योंकि तुम फर्स्ट मार्क्स लाए हो, दिस इज माई गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें जो भी दूंगा ले लो। क्या बड़े है ना सर। दिस इज माई गिफ्ट फॉर यू। इसे लिखने के बजाय मैं अपने पास रखूंगा बचाकर। वेनु, ये शिष्टाचार और ये संस्कार ही तो तुम्हें क्लास में फर्स्ट लाया है। वेनु, जीते रहो बेटा, जीते रहो। छोड़िए सर। सॉरी, जाओ 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 बैठ जाओ। सॉरी अमृता जी, मुझे लगा कि इस बार आप ही फर्स्ट आएंगी क्योंकि मुझे चिकन गुनिया हो गया था, लेकिन फिर भी मैं ही फर्स्ट आ गया। मुझे समझ में नहीं आया कैसे। It's okay, Venu. Basically, you're intelligent. इसलिए तुम्हें मार्क्स ज्यादा मिले, बट नेक्स्ट टाइम मैं ही फर्स्ट आऊंगी। All the best.
मैं लड़कियों से बात करूंगा तब मेरे पापा गुस्सा होंगे। ये कौन है यार, ऐसे बात कर रहा है जैसे हीरोइन का इंटरव्यू ले रहा है। इसका नाम वेनु है, कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, देख के ही पता चला। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से अभी इस सवाल को कौन सॉल्व कर सकता है? हाथ ऊपर करो। क्या हो गया ऐसे, ये मेरी तरफ ही क्यों देख रही है? अरे यार इसका सॉल्यूशन तुझे पता है क्या? अरे नहीं रे यार, इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया, मुझसे थोड़ी पूछेंगे। इट्स ऑल राइट, आप लोगों में से कौन यहाँ आएगा? ए यू, मी सर। यस यू, न्यू एडमिशन, यू कम ऑन। पता है ना, चल जा अभी। व्हाट इज योर नेम? अविनाश सर। अविनाश, कॉलेज में पढ़ाई करने आते हो या कुश्ती लड़ने आते हो? बटन बंद करो। ट्राई टू बी डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। ओके सर। ये चौक पकड़ो और सवाल हल करो। सर बेल बज गई है, फिर भी सॉल्व करो। तुम सॉल्व करो, मुझे भूख लग रही है, लंच टाइम हो गया, मैं जाता हूँ। कॉलेज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकते, मंदिर में घंटी नहीं बजा सकते, ये कैसा रूल है भाई? हेलो, अरे मैं महेंद्रनाथ बोल रहा हूँ, कोंडापुर में 500 स्क्वायर फीट का। अरे कोंडापुर वेस्ट है यार, कोंडापुर में जिसने भी फ्लैट लिया बर्बाद हो गया, माधवपुर में खरीद लो, बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट हैं। अरे बेवकूफ, हमें ऑलरेडी कोंडापुर के बाजू में रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट आएगा कहकर 2000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें चिपका दिया। ये तो ऑलरेडी खरीद लिया है, मुझे लगा खरीदने वाली पार्टी है। हेलो हेलो हेलो, सिग्नल ठीक नहीं है, बाद में बात करता हूँ। आया बड़ा खरीदने वाला, पहले पता नहीं था क्या? बेबी टेस्टेड। वाओ, नाइस, वेरी नाइस। माँ की कमी को पूरा करना सबके बस की बात नहीं होती, बट इट्स ओनली पॉसिबल फॉर मिस नागारेजी। थैंक यू बेबी। बताइए, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मेरे बेटे पवन को है। क्या है उसका प्रॉब्लम? प्यार। हे, हमारे सेमिनार्स कब होंगे? पता नहीं यार, मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, तो किसके बारे में नॉलेज है? हाय अमृता, प्लीज टेक दिस। ऐसा क्या देख रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? सिक्योरिटी, इस इडियट को बाहर फेंको। उसके बाद मैंने अपने बेटे को दूसरे कॉलेज में एडमिशन तो दिलवा दिया, पर मैं उसे उस लड़की के प्यार से दूर नहीं कर पाया। डॉक्टर, मैंने उसे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। डॉक्टर, उसका क्या होगा ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। आप ही बचा सकते हो उसे, आप ही बचा सकते। डोंट वरी, I will take care. आप जाकर अपने लड़के को एक बार यहाँ लेकर आइए। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी भेजता हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। ये क्या है, तुम अपने पापा को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अमृता को जानते हो तुम? अमृता ही पता है और कुछ नहीं पता। अमृता से प्यार करते हो क्या? जान से भी ज्यादा। वहां पे जाकर लेटो जरा। पवन, ये प्यार नहीं, इसे अट्रैक्शन कहते हैं। ये अट्रैक्शन नहीं डॉक्टर, प्यार है, मदर प्रॉमिस। ठीक है, तुम्हारी नजर में प्यार होगा, लेकिन अगर उस लड़की को पसंद नहीं है तो वो उसके लिए हैरेसमेंट होगा बेटा। भूल जाओ, उस लड़की को छोड़ दो। तुम किसी के लिए जान दे सकते हो क्या? पर मैं दे सकता हूँ। उनकी जान लेगा क्या? चल भगवान, कैसे इसे रोक ले गया।
तुमने 2012 देखी है क्या? 2010 है। अरे रमा शंकर, तुझे तो काफी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी यार। तुझे ही आटा पिसवाना होगा, तुझे ही डोसे बनाने होंगे और तुझे ही खाना होगा। मैं उसके बारे में नहीं। ये क्या तुम्हारे हाथ रुकते नहीं, पत्ते तोड़े जा रही हो? वो बात नहीं है, मैं तो ये 2012 की बात नहीं कर रहा था, मैं तो 2012 फिल्म की बात कर रहा था। नहीं तो मुझे कौन दिखाएगा? तुम चलोगी मेरे साथ तो दिखाऊंगा ना। ये देखो, मैंने सिनेमैक्स की 2 टिकट भी ली है, शाम को तुम मेरा इंतजार करना। तो मैं जाकर सीट पर बैठ जाऊंगी। अरे ये सीट की टिकट है, जमीन पर बैठ के थोड़ी देखोगे। ए रमा शंकर, जल्दी आओ। सर मैं क्लासरूम में हूँ सर, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये देखो बच्चों, मैंने तुम लोगों को जो पढ़ाया वो बताओ। तू बताओ नंबर 20। वेट यार, मैं भी खेल रहा हूँ ना, ये क्या सरप्राइज एंट्री है, तू भी आएगा सोचा ही नहीं था यार। क्यों रे, मेरा क्या एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट हुआ होता तो हाथ पैर चला जाता, लेकिन सिद्धार्थ में एडमिशन लेने का मतलब है टोटल पर्सन मिस हो जाना। हाँ यार, मेरी गर्लफ्रेंड जब से इस कॉलेज में ज्वाइन किया ना, तब से बहुत मुश्किल हो गई यार। ना उसे मिल सकता हूँ ना उसे मुँह दिखा सकता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट है। अविनाश भाई ज्यादा लग गई क्या? चुप रहे, तुझे लगता तो पता चलता। लेकिन ये तो बता, इतनी हड़बड़ी में क्यों आ रहा था? शाम को चांदनी बार में तुम सब लोगों को पार्टी दे रहा हूँ ये बताने आया था। अबे कंजूस, तू पार्टी देगा? चाय पिलाने में तो तू पर्स भूल जाता है, और आज पार्टी देने के लिए कैसे तैयार हो गया? वो सब तो सस्पेक्ट है। अरे सस्पेक्ट नहीं होता, सस्पेक्ट। अरे वही ना। अच्छा शाम को तुम लोग सब लोग आ रहे हो ना? लेडीज जेंट्स से साथ आने का, डांस करने का, पब में जात पात का भेद नहीं, सबके लिए पब है ये, एज स्टेज भूल जाने का, ऐश करने का पब है, मस्ती का है सिग्नेचर, जन्नत का है मिनिएचर, हर एक रोज त्योहार का मजा करने का पब है। करने का
ए, एक और राउंड मारेंगे क्या रे? अचानक क्या हुआ तेरे को? फ्रेंडशिप है यार, जितना हो सके उतना खाओ, जितना हो सके उतना पियो, मुझे मत पूछना। बिल के लिए भी नहीं। अरे उसके लिए मैं हूँ ना। केयर फ्री होकर पियो। अरे बेवकूफ, केयर फ्री नहीं रे, फील फ्री। वही वही। ये बता बात क्या है? वो सब तू मत पूछ, तू चलो रख। Hey, मैं चिट्टू सीनू बात कर रहा हूँ। क्या रे, सुबह मुझे अकेले देखकर तूने मारा था ना? अगर दम है ना तो चांदनी बार में आ जा। तू बहुत बोल रहा है। Hey, सच के लिए सब भूल जाऊंगा, दोस्ती के लिए मर जाऊंगा, अगर धोखा देगा तो शुरुआत से ही कच 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 काट डालूंगा, समझा? Yeah, मैं तुझे ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, दम है तो आ जा। इसकी तो क्या रे, फोन पर किसको धमकी दे रहा है बताता हूँ। सुबह ही अपनी क्लासमेट गीता को लव लेटर देने गया था। एक्सक्यूज मी, राइट इट? राइट इट नहीं रे, रीड इट। ओह, रीड इट। हाय गीता, तुम्हारे दादाजी के श्राद्ध में मैं आया था और वहाँ मैंने तुम्हें देखा, मैं अपने आप को भूल गया। उस समय मैंने अपना हाथ भी चला दिया था। विश्वास करो गीता, तुम्हारे लिए बदल दी मैंने हाथ की रेखा। मेरे प्यार को स्वीकार करो, बदलूंगा तुम्हारी नसीब रेखा। अरे बेवकूफ, तेरे दिन भर गए हैं क्या? तुम ऐसा कहोगी, मुझे पता था, इसलिए ये पेपर पलट कर परिमला को दे दो। वो वहाँ है। ये लो। ओ परिमला, तुम्हारी बातें तो आहा आहा आहा, बाहर गया तो तुम्हारी याद आई, बाथरूम गया फिर भी तुम्हारी याद आई, उल्लू जैसी तुम्हारी आंखें पसंद आई, डायन जैसे तुम्हारे दांत पसंद आए। तुम्हारे अंदर की इतनी सारी चीजें पसंद करने वाला मैं, मुझसे प्यार कर लूं तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? इस सवाल का जवाब मांगने वाला तुम्हारा प्रेमी जिड्डू सीनू। ये तो तुम डायरेक्टली कह सकते थे, फिर ये लेटर क्यों? लेटर दूंगा तो प्रूफ रहेगा ना। चप्पल से मारूंगी तुझे। तुम ये डिसीजन लोगी मुझे पहले से पता था, इसलिए एक काम करो, इस लेटर को इंग्लिश में लिखकर तुम्हारे बाजू वाली पद्मश्री को दे दो मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। एक ही लेटर तुम कितने लोगों को दोगे? अच्छा, तुम दोनों तो इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, तो ये उसके लिए तो फ्रेश ही है ना? हाँ हाँ, फ्रेश ही है। कौन है ये? ये तुम्हारे बॉडीगार्ड है? हाँ, विदाउट सैलरी, मेरी भाई है। हाय। तुमको बाद में देखूंगा, इसलिए शाम को मैंने तुम सबको पार्टी दी। क्या हुआ? इसका मतलब तू उनको मारेगा? मारना होगा, वरना वो लोग हमें मारेंगे। वैसे भी फ्रेंडशिप का मतलब सिर्फ बार में बियर शेयर करना नहीं, दुख में साथ देना भी होता है। इसने जब पार्टी दी थी तभी समझ गया था कोई लफड़ा है। अबे यहाँ पे सीनू कौन है? बारात लेकर आए हो क्या? अबे रुकना, पूछता हूँ। ए भाई, तुम लोग तो सुबह दो थे, अभी दस कैसे हो गए? तू क्यों टेंशन लेता है रे, मैं हूँ ना। मेरी पिलाई हुई बियर काम आ रही है। क्यों रे, बहन को लव लेटर लिखने वाले को ऐसे मारते हैं? हड्डी पसली तोड़ देनी चाहिए। ओके, चल मार उसको। अरे बाप रे, आज तुझे सबक सिखाता हूँ। अरे मत मारो मुझे भाई, अरे मैं तो वैसे भी मरा हूँ। अरे क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं वापस ऐसे करता नहीं करूँगा। नहीं अरे भाई छोड़ दो, अरे चल रे, आज के लिए बहुत हो गया। ये पार्टी तुम लोगों को देता तो भी अच्छा होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने बड़ों का आदर करो, उनका सम्मान करो, ईश्वर एक है, वो सबके लिए बराबर होता है। मैं चलता हूँ पिताजी। बदमाश स्टूडेंट से थोड़ा संभल कर रहना। जी, जी, पिताजी। वेनो। जी पिताजी। ये तुमने कैसे बाल बनवाए हैं? माताश्री ने ऐसे ही बाल बनवाने को कहा था। माताश्री को दिमाग नहीं है, ऐसे पिताश्री ने कहा है, बोल दो। ठीक है पिताजी। वेनो। जी पिताजी। भूल गए क्या? क्या पिताजी? दीजिए पिताजी। God bless you my son। स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली बिहेव कीजिए, उन्हें हमें देखकर डरना नहीं चाहिए। हमें आशीर्वाद दीजिए प्रिंसिपल साहब। ये क्या था बेटा? यहाँ तक आपके आशीर्वाद से ही पहुँचा हूँ प्रिंसिपल साहब। इसकी हाइट इसके डायलॉग के साथ मैच हो रही है क्या? चल जाओ प्रिंसिपल साहब। हाय अमृता, गुड मॉर्निंग। मैं अगर बुक पढ़ता हूँ, क्लासरूम में रहता हूँ, तुम ही याद आती हो, मैं क्या करूँ? जस्ट शट अप, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरा पीछा मत किया करो। बाबूजी, एक रुपए दे दो बाबूजी। थोड़ी देर वेट करो प्लीज। ठीक है, मैंने अपने मम्मी पापा को, पढ़ाई को, सबको छोड़ दिया,
तुम्हारे लिए। आई लव यू अमृता। लिसन, आई डोंट लव यू, डू यू गेट इट? ऐसे कैसे अमृता? बाबूजी, एक रुपए दे दो, सिगरेट खरीदनी है। एक मिनट साइलेंट रहो ना अमृता, एक बार सोच कर देखो ना। लिसन प्लीज अमृता, आई डोंट लव यू। बाबूजी, एक रुपए दे दो, पान पर रखा है काफी देर हो गए। ठंडे ठंडे पानी से बाथरूम धोना चाहिए। ये बाथरूम सिंगर कौन है यार? ये मैं हूँ। ये क्या गेटअप बना रखा है? ठीक है, ये बता बात क्या है? मैं अपने पैसों से खुद सिगरेट पी रहा हूँ, तो इसमें प्रिंसिपल की सेहत बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आज तक मैंने जिंदगी में कभी झाड़ू नहीं पकड़ा और ये लोग मुझसे बाथरूम क्लीन करवा रहे हैं। क्या कहा? सिर्फ सिगरेट पीने के लिए टॉयलेट क्लीन करवा रहे हैं? सर सर सर, आप कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये क्या भाई, सुबह सुबह बुके बुके लेकर? लीजिए सर, आपके लिए। मेरे लिए? आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है। आपकी वजह से ये कॉलेज इतना सुधर गया है सर, लीजिए सर। अरे सुधरना क्या, डर तो हर जगह लगता है, बाहर गुंडों से, घर में पत्नी से। सच में सर, आपके जैसे अच्छे काम करने वाले इस दुनिया में बहुत कम होते हैं सर। सर, पत्नी से डरना तो आदमी का फर्ज होता है। तू ज्यादा मत बोल, खुद कार्टून के जैसा है और तू भी मजाक कर रहा है। एनीवे थैंक यू। सर आपको कोई एतराज ना हो तो एक फोटो। कोई एतराज नहीं है भाई, तेंदुलकर और मुझ जैसे महान लोगों को फोटो खिंचवाना ही पड़ता है। खींच लो, खींच लो। वो बॉल को धोते हैं और आप घर पे कपड़े धोते हैं। तुझे प्रिंसिपल की केबिन में गए हुए बहुत दिन हो गए ना। सर फोटो रेडी सर, स्माइल। बाय सर। सर 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 सर, बुके सर। अभी तो तुमने दिया, हमें लौटा दीजिए सर। बट व्हाई? उससे जुड़ी मीठी यादों के लिए सर। प्रिंसिपल जी के स्टाइल में कहूँ क्या? कहिए सर। टच कर दिया यार, टच कर दिया। थैंक यू सर। चल बाजू हट। ये बुके यहाँ क्यों लाया? ये बुके नहीं है, स्मगलिंग। स्मगलिंग? सिगरेट? हमारे लिए सिगरेट लेक्चरर अपने हाथों से लेकर आए। अरे बाप रे, ये पेट्रोल तो अपने लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। ए तू चुप कर, इसके लिए भी एक आइडिया है। ओ ये क्या कर रहा है यार? व्हाट एन आइडिया सर जी। चल पकड़ इसको, इनको भी दे दे। अरे मुझे भी दे रहे, ये ले। ये पकड़ बेलून, जल्दी उठाओ ना यार। अरे ये क्या, तुम लोग हाथ में बलून लेके क्यों दौड़ रहे हो? सर हम नाइट्रोजन गैस की अल्टरनेटिव गैस ढूंढ रहे थे, आप इसे अपने हाथों से उड़ाएंगे सर? नाइट्रोजन गैस का अल्टरनेटिव गैस? अरे रे, ये गैस है क्या? वो नहीं है सर। क्या आराम मिल गया। ओहो, ये बुक पकड़ो जरा, मतलब इसे मुझे इनॉग्रेट करना है। जी सर। यू नो ये हाथ बहुत पवित्र है। हाँ सर सर सर। क्या हुआ? एक फोटो सर। ओहो ले लो। रेडी सर। ले लो ले लो। मैं भी आ जाऊँ? तुम यहाँ क्यों आए सर? ये रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा सर। स्माइल। ओके, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। आपके साथ जॉगिंग करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्यों? मेरी बीवी ने देख लिया तो मेरी वाट लगा देगी। सर सर सर, नमस्ते सर। कौन हो तुम? मैं आपका कमलराज। ओह तो कमलराज तुम हो, क्या हाल है, यहाँ कैसे आना हुआ? दो टक्के पे लोन लिया हूँ, अभी तो चुका नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ सर। किस गाँव के हो? विजयवाड़ा, करीमनगर का विजयवाड़ा। मतलब करीमनगर में भी विजयवाड़ा है क्या? हाँ तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, जरा नजदीक आ। क्या सर, विजयवाड़ा कहने पर आपने मुझे मारा? मारू नहीं तो और क्या करूँ, तूने अभी विजयवाड़ा का नाम लिया ना। मेरे पैसे और विजयवाड़ा का क्या लिंक है सर? क्या लिंक है पूछता है, ये कोई मामूली शहर है? विजयवाड़ा हाईफाई शहर है। विजयवाड़ा में दुर्गा माता का बड़ा मंदिर है, वहाँ एक बड़ा सा पार्क है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सुपर मार्केट है। अभी तू तुरंत वेजवाड़ा की ट्रेन पकड़, वहाँ जाकर अपनी बहन और जीजा के साथ प्रॉब्लम सोल्व कर, पूरी प्रॉपर्टी का पेपर बनवा, प्रॉपर्टी का लीगल पेपर बनवाने के बाद ही मेरे सामने आना। चल भाग भाग यहाँ से। रुकना भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है रे? तुम्हारा इंतजार, अपर्णा के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ भी करके उसे मिलना चाहता हूँ, तो कुछ करना प्लीज। ठीक है, अपना एटीएम कार्ड निकाल, उसमें बैलेंस नहीं है यार। अरे निकाल ना यार।
चैंपियन। अब खड़ा क्या है, पीछे बैठ। वो देख अपर्णा, जाके बात कर ले। ए अपर्णा, तुमसे अर्जेंट बात करनी है, प्लीज कम। कहो क्या बात करनी है। चलो यहाँ बताओ, यहाँ कैसे आए हो? अविनाश लेकर आया मुझे। वैसे तुम्हारे घर वाले क्या कह रहे हैं? मेरी शादी करवा देंगे कह रहे हैं। क्या करें हम, मेरी बात मानोगे? हम दोनों को घर पे बिना बताए कहीं जाकर शादी कर लेनी चाहिए। बाप रे, बिना बताए शादी मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता अपर्णा। मेरा भी हाल वैसा ही है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एटीएम कार्ड आइडेंटिफिकेशन है क्या? तू मेरे कैंपस से आया? चल भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा। ठीक है। पकड़ो उसे। रुक रुक रुक। भागता तो बड़ा। रुक रुक रुक। अरे पकड़ इसको। वाह मेरे शेर, ऐसे तो तू ओलंपिक पदक जीत सकता है। सॉरी सर। सॉरी सुनने का नेचर नहीं है मेरा। प्लीज सर, मेरे घर के लोगों को पता चला तो मुझे मार देंगे। अगर इससे बचना चाहती हो तो मेरे पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। कहिए सर, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। Yes, come in. मेरा नाम अपर्णा है। ट्रिपल ए थर्ड ईयर सर। अपने कॉलेज रूल्स के खिलाफ मैंने एक लड़के से प्यार किया सर। वो यहाँ आया तो मैंने उसे चोरे छुपे बात कर ली सर। ऐसी गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी, मुझे माफ कीजिए सर। इट्स ओके बेटी। वो कैसी है सर? डोंट वरी, शी इज ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ए अब वो कैसी है यार? चिंता मत करो, अब उसकी हालत ठीक है।
Yes. ड्रेस मटेरियल्स कहाँ मिलेंगे? फर्स्ट फ्लोर मैम। बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारा कितने देर से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। पवन, छोड़ो मुझे। चुप, चुप। एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता क्या? तुझे लॉक कर रहा होगा। ए, तुम ये गलत कर रहे हो। ए, देख, बाजौट, बाजौट, सुनो, बाजौट बोल रहा है, छुरी से काट डालूँगा तुझे, अच्छा, अच्छा। कहने की जगह अपर्णा से सॉरी कहो। तुम और तुम्हारे बाप ने जो इसकी इंसल्ट की उसके लिए ये सुसाइड करने जा रही थी, मरने जा रही थी ये। मैं टाइम पर नहीं पहुंचा होता तो अभी तक दूसरी दुनिया में पहुंच गई होती है। आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाला प्यार नहीं कर सकता, अपनी लाइफ अपने तरीके से जी नहीं सकता, दूसरों की लाइफ का फैसला करने वाले तुम लोग कौन होते हो? जस्ट शट अप अविनाश। कॉलेज में आते ही कुछ लड़के, ये लड़की खूबसूरत है, मैं उससे प्यार करता हूँ, पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागती, क्या ये प्यार होता है? इसे प्यार कहते हैं? हाँ, अभी अभी देखा ना तुमने, मेरे मना करने के बावजूद भी वो लड़का साइको की तरह मेरे पीछे पड़कर मुझे टॉर्चर करता रहता है हमेशा। अरे, लड़कियों के मना करने के बावजूद भी उसका गला काटने वाले, उस पर ऐसे डालने वाले को प्रेमी कहेंगे क्या? पर सारे लोग पवन की तरह सनके नहीं होते, प्यार करने वाले तो एक दूसरे के लिए जान दिया करते हैं। उन्हीं में से एक है प्रवीण, वो देखो, जब से अपर्णा हॉस्पिटल में आई है तब से ये भी यहीं पर बैठा हुआ है। 3 दिन से इसकी आँखों के आंसू रुक नहीं पा रहे हैं। ये सच्चा प्यार नहीं है तो और क्या है? हेलो, माँ, पिताजी, भाई, बहन, इन सबको मिलाकर फैमिली बनती है। उसी तरह स्पोर्ट्स, इवेंट्स, डांस, लव, फ्रेंडशिप, इनसे कॉलेज बनता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, उन्हें गुलाम मत बनाओ। कॉलेज आ गया, उतरो बेटा। पिताजी, इस बर्थडे ड्रेस में कैसा दिख रहा हूँ मैं? बढ़िया, बिल्कुल मेरे स्वर्गवासी पिताजी की तरह। मतलब मैं भी मर जाऊंगा? नहीं नहीं, उसके लिए तो थोड़ा समय है बेटा। एनीवे, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पिताजी, एक एक को कितने कितने चॉकलेट्स दूं? स्टूडेंट को एक एक चॉकलेट, लेक्चरर को 2 चॉकलेट और तुम्हारे प्रिंसिपल को वो बड़ा वाला दे दो। वो बड़ा वाला मिल्के बार? हाँ, दे दो। ओके, 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 जाओ, जाओ। मेरा अच्छा बेटा। ए, जाकर सिगरेट लिया। पैसे नहीं है भाई। पैसे? वो देख अपना इंटेलिजेंट बकरा रहा है। ए, इंटेलिजेंट वेणु।
क्या बात है, तेरा बर्थडे है क्या? कितना सज धज के आया है? ठीक है, एक शर्त लगानी है 100 रुपए की, जितना चाहता है पैसे। मेरे पिताजी ने कहा था कि कभी शर्त मत लगाना, अगर कोई कहे तो प्रिंसिपल से जाकर के कंप्लेन कर देना। ठीक है, तेरी मर्जी। मैंने सोचा था कि तेरा बर्थडे है तो कोई आसान सा सवाल पूछ कर किसी बहाने से तुझे 100 रुपए दे दूंगा। चल जाने देने यार। पूछिए ना प्लीज। तेरे पिताजी नाराज तो नहीं होंगे? पैसा जाने पर नाराज होते, आने पर नहीं होते। ठीक है, ABCD की स्पेलिंग तो बताओ। ABCD ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQR। स्पीड से रिवर्स में बोलो। ले पकड़ सिगरेट, लिया भूल गया था, चॉकलेट लेंगे क्या? चॉकलेट तुम? समझ गया, बॉक्स में ही है। समझ गया ना, तो जा। मारो मारो, इतनी बड़ी पर्सनालिटी लेकर एक छोटे से बॉल को नहीं मार पा रही हो? मारो मारो मारो। सर, खरीदते समय आपने क्या कहा था? खरीद लो, एक बार बोला ना। वो बात नहीं है सर, अगर कोई भी नहीं खरीदेगा तो उस 10 लाख रुपए के साथ 2 लाख रुपया ब्याज मैं ही दूंगा, ऐसा आपने कहा था। वो 10 लाख दे दीजिए सर। अरे इधर आ, गधा कहीं का, ये ले भिखारी की तरह। 10 लाख की बात क्यों कर रहा है बे? 50 लाख से नीचे बात मत करना, 1 करोड़ की बात कर। नहीं सर, मेरे पैसे और मेरा ब्याज मुझे दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब ब्याज मुझसे लेगा क्या? वो क्या है ना सर, उसमें से 3 लाख रुपए मेरे नेल्लूर में रहने वाले सास ससुर के हैं। क्या बोला तू? नेल्लूर सर, वही तुंगभद्रा के बाजू वाला नेल्लूर। अच्छा, तुंगभद्रा के बाजू में भी एक नेल्लूर है क्या? अरे तेरे सास ससुर भी नेल्लूर के हैं, एक बार भी तूने मुझे बताया क्या? नेल्लूर का और मेरे पैसों का क्यों लिंक लगा रहे हो? चुप कर, मार कर तेरी हवा निकाल दूंगा। नेल्लूर का और पैसे का लिंक क्यों नहीं है बे? ला कॉफी मुझे दे, धरती का बोझ बना फिर रहा है। नेल्लूर कोई मामूली शहर है क्या? अरे आना वाली सत्या रेड्डी के पास जाकर सर्टिफिकेट लेकर आ, और उपलवारी के पास जाकर गवाह के तौर पर उनकी साइन लेकर आ। हाँ सर, ये सारे सर्टिफिकेट्स मुझे नहीं चाहिए सर, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फिर वही बात करता है, 50 लाख की? 50 लाख कोई मामूली रकम है क्या, एक झटके में मिल जाएगा? अच्छा तू एक काम कर, सुबह नेल्लूर चला जा। अरे नेल्लूर की बस वैसे कितने बजे की है? 7 बजे की है। 7 बजे की है? अबे 7 बजे तो बहुत देर हो जाएगी बे, उससे पहले कोई बस नहीं है क्या? वही पहली बस है तो उससे पहले कौन सी बस होगी? अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, आज शाम तक अपने सारे काम निपटा के रात की लास्ट बस से निकल जा। लास्ट बस कितने बजे की है? 9 बजे की है। 9 बजे मतलब काफी जल्दी हो जाएगा ना, उसके बाद की कोई बस नहीं है क्या? अगर वही लास्ट बस है तो उसके बाद कौन सी बस हो सकती है? ये जरा पकड़ना। अच्छा बेटा, तू दिखने में बहुत छोटा है लेकिन दिमाग से बहुत शाना है ना। ठीक है, काम कर, तू लास्ट बस से नेल्लूर चला जा और वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर हैदराबाद चले आना। अरे तू इतनी बार हैदराबाद आया लेकिन कभी तेरे पास सर्टिफिकेट नहीं देखा? सर सर्टिफिकेट सर। कौन सर्टिफिकेट? वो बैठ जरा मुझे दो, मैं इसे बताता हूँ। कौन सर्टिफिकेट पूछता है, जमीन का सर्टिफिकेट बे? कौन देगा ये? कौन देगा? तू क्या काम के नीचे सर्टिफिकेट लेकर आ रही? तो खाली हाथ मुझे अपना थोड़ा नहीं दिखाना, सर्टिफिकेट लेकर आना वरना मार डालूंगा। अविनाश। हे अप्पू, हाउ आर यू नाउ? बहुत अच्छी हूँ। मुझे तो लगा था कि एक हफ्ते तक नहीं आओगे। क्या बात है, इतनी जल्दी आ गई, मुझे देखे बिना अच्छा नहीं लग रहा था क्या? You naughty, तुम्हें एक बात पता है, हमारे प्यार को हमारे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया। Is it? Congrats, पर कैसे? अमृता। अमृता? हाँ, अरे कल शाम को अमृता मेरे घर आई और मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया, पढ़ाई पूरी होने के बाद हम लोग शादी करेंगे ऐसा कहा। ये सब अमृता की वजह से हुआ। एनीवे थैंक्स अविनाश, हैप्पी जर्नी। थैंक यू, बाय। का मतलब अपनी बातों का भी असर होता है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? इतना। कैसे कैसे प्रूव करोगे? कैसे करूंगा? हाँ, अगर इसमें रेड रोज खिल गए तो मेरा प्यार सक्सेस। स्वीटहार्ट बदमाश।
क्या बात है, तुम्हारा सेल स्विच ऑफ आ रहा था। बैटरी इज लो, इट्स गेटिंग चार्ज। ओके। अच्छा लिसन, गुड न्यूज, तुमने जैसा कहा था ना, गुलाब के पौधे पर रेड रोज खिला है, मतलब अपना प्यार सक्सेस। क्या कह रही हो, मैंने येलो रोज आने के लिए साईं बाबा से मन्नत मांगी थी और नारियल भी तोड़ा था। व्हाट? व्हाट मतलब ये कि मेरा नारियल बेकार चला गया। ए, तुम्हे तो मैं ना, अगर ऐसी बात करोगी ना तो फोन रख दूंगी। हाँ, बाय। ऐसे ही फोन रख दोगी क्या? किस नहीं दोगी मुझे? नहीं दूंगी। प्लीज एक किस दे दो ना। नो चांस। प्लीज दे दो ना। कहा ना नहीं। हेलो, पता है किस न देने से महापाप पड़ता है, और कितना भी प्रायश्चित करो लेकिन पाप नहीं धुलता। hey, hey. अरे ये बीच में कौन टपका रहे? मेरा ससुर है। कौन है रे तू? मेरे ही घर फोन करके मेरी बेटी से तू किस मांग रहा है? अरे ससुर जी, आपके घर में फोन करके मैं आपके बगल वाली लड़की से किस मांगूंगा क्या? तेरी इतनी हिम्मत? इसे इंग्लिश में नो कहते हैं। लव कहते हैं। लव का नाम लेना भी जिस कॉलेज में पाप माना जाता है, लव से चिढ़ने वाली तुम्हारी बेटी के मुंह से मैंने अपने लिए लव यू कहलवा दिया, कैसा लगा? खत्म कर दूंगा तुझे। हाँ, तुम्हारे हाथ से मरने के लिए मेरे माँ बाप ने पैदा किया, और वैसे भी आखिर तुम्हारी बेटी से कोई तो प्यार करेगा ना? तुम्हारी बेटी दुनिया से अलग तो नहीं है ना? उसे भी तो आखिर माँ के पेट में 9 महीने ही रहना पड़ा था ना? देखो, ये प्रेम है ना स्वाइन फ्लू की तरह, जिसे भी ये रोग लगा हो बाकी लोगों को उससे दूर रहना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। कौन है रे तू? बस नाम बता मुझे, एड्रेस मैं खुद ढूंढ लूंगा। इतने उतावले क्यों रहे हो? मेरा एड्रेस पता करने से पहले ये पता करो कि आखिर मैं हूँ कौन। तुम्हारे कॉलेज में 2-4 नहीं पूरे 2000 स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से 1200 बॉयज हैं, उनमें से तुम्हारी बेटी का लवर बॉय मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ इसका पता तू लगा सकता है क्या? मैं अपनी बेटी के मदद के बगैर ही तुझे हर हाल में ढूंढ लूंगा, बहुत जल्द तू मेरे सामने होगा। तू कुछ नहीं कर सकता। 250 cc इंजन कैपेसिटी, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा तो गर्र 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 करके धुआं छोड़ने लगेगा। अबे साइकिल स्पीड वाले पकड़ने की बात करता है, तू तो धक्का देने की ताकत भी नहीं रखता, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तेरी स्पीड को डिस्क ब्रेक मैं लगाऊंगा। अच्छा, इस वक्त से तेरा राहु काल शुरू हो गया है। जल्द ही तुझे पकड़ कर धक्के मार कर कॉलेज से निकाल दूंगा। मेरा चैलेंज है बदमाश। चिल्ला क्या रहा है? मेरा डबल चैलेंज, मेरा डबल चैलेंज। डैडी कहाँ है? बड़े साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आपको खाने के लिए कहा है। क्यों? मन अच्छा नहीं है डैडी। मैं अपनी बेटी को तोते की तरह पाल रहा हूँ, पर भूल गया था कि उसके भी पंख होते हैं। 15 सालों से चल रहे कॉलेज को आने वाले 5 सालों के बाद अपनी बेटी को सौंपूंगा, ऐसा सोचकर बड़ा गर्व महसूस किया, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था। ऐसी बात नहीं है डैडी। स्टॉप इट। तुम्हें इमोशनल करके तुम्हारी मदद से उसे मैं नहीं पकड़ूंगा। मैं एक प्रिंसिपल हूँ और मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्वेश्चन आंसर पता चलने के बाद ही मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा। बेटी ऐसा करेगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है सर। सच हमेशा कड़वा होता है रमाशंकर। जिस तरह मछुआरे मछली को पकड़ने तक उसे नहीं छोड़ते हैं, ठीक उसी तरह प्यार करने वाले भी लड़की को फंसाने तक नहीं छोड़ते। शेर की पूंछ से खिलवाड़ करने वाला बच नहीं सकता सर। डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए सर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं, प्रॉब्लम आपको होगी। अगले 25 दिनों तक अगर आप उसे ढूंढ नहीं पाए तो दूसरी जॉब ढूंढ लीजिएगा। सर सर सर, ओहो, बंदर को गुस्सा आया तो कौवे को इलेक्ट्रिक के तार पर फेंक दिया। इसी तरह ये हैं, प्यार इनकी बेटी ने किया, पनिशमेंट मुझे मिल रही है। अपने करियर का कुछ टेंशन है या नहीं? चैलेंज करता है, चैलेंज। क्या बात है, आज बहुत हॉट लग रही हो। व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? मेरे डैड से चैलेंज किया तुमने? तुम अपने आप को के हीरो समझते हो? शेर है मेरे डैडी, पता है? शेर है वो, अब तो उनको जंगल में रहना चाहिए, वो यहाँ शहर में क्या कर रहे हैं? ए, आर यू गोइंग मैड? ये क्या चल रहा है, इस लड़की से क्या बातें कर रहे हो? व्हाट्स द प्रॉब्लम? अमृता को प्रॉब्लम है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है? और तेरी खैर नहीं बेटा। मैं एक बात बोलूं,
तू खुद ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरे की प्रॉब्लम तू कैसे सॉल्व करेगा? डू द वर्क फास्ट। देखिए अब से मेरी नजर आप लोगों पर ही होगी, आप लोग थोड़ा संभल कर काम करना। अगर किसी को थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो किसी और से नहीं, सीधा वेनू को जाकर बोलना। ओह सॉरी, इधर के बॉयज हो या उधर के गर्ल्स हो, सब लोग तुमसे पूछे ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ वेणु, अमृता का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। सी आस्क हिम नॉट हिम। ओके अपनी जगह पर जाओ। ओके सर। चलो जाओ। सी अमृता देखो, अगर तुम्हें डाउट है ना तो एक काम करना कि इसको ना इस तरह से करके ऐसे घुमा देना और उसको जो है ना वहाँ पे कर देना। ओके रेणु जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये काम नहीं कर रहा है। देखो इसे ऑन भी करना नहीं आता है, बीटेक करने चला है, सिली फेलो। अरे बाप रे, इतना मजा आया कि हाथ लगाते हुए उसे शौक लग गया। चलो हम लोग चलते हैं। I love you। ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? लव लेटर। मेरे डैडी आ रहे हैं। जब आएंगे तो देखा जाएगा, अभी तो ले लो। अरे तुम क्यों कर रहे हो? क्या है ये सब? सर सर प्लीज सर, इसको ओपन मत करना, नहीं तो सर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सर प्लीज सर, इसको ओपन करने से प्रॉब्लम मुझे नहीं तुझे होगी। जय संतोषी माता। बहुत साल पहले एक साहूकार हुआ करता था, वो काफी पैसे वाला था। एक दिन उसने देखा कि क्या इसे जो भी पढ़ेगा उसे 1116 बार जय संतोषी माता लिखना होगा। जो इसको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं करेगा उसे खून की उल्टी होगी और वो मर जाएगा। मुझे भी इसे लिखना होगा 1116 बार सर। जय संतोषी माता। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। क्या हुआ सर, एसी रूम में बैठे हैं फिर भी आपको पसीना आ रहा है? क्या है सर ये, व्हाट इज दिस? जय संतोषी माँ, जय अकाल, जय मांदे, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय बात करने के लिए इतने सारे लोगों को तुमने बिजी कर दिया। बेचारे। काहे के बेचारे? जिंदगी की भागदौड़ में वो भगवान को और भक्ति को पूरी तरह भूल गए थे, उन्हें मैंने फिर से याद दिला दिया। इसमें क्या गलत है? गलत है इसलिए अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रही हूँ, ये लो। अपनी प्रेमिका को प्यार से 1116 लव लेटर लिखकर देने होंगे, वरना प्यार की देवी गुस्सा हो जाएगी और वो जिद्दी और मीक्रो बन जाएगी। मुझे तो जिद्दी और मीक्रो लड़कियां बहुत पसंद हैं। ए, क्या बोल रहे हो तुम? अंधे हो जाओगे तुम। हाँ तो होने दो ना, तुम्हें देखने के बाद आखिर बचा ही क्या देखने के लिए। Last chance for you!
सल्फ्यूरिक एसिड कैसा लगा? यही डालने की धमकी दी थी ना तूने? जल रहा है ना, दर्द हो रहा है ना? एक उंगली जलाई तो इतना दर्द हो रहा है तुझे? एक लड़की के चेहरे पर डालेगा तो कितना दर्द होगा पता है? पता है तुझे? हाँ? एक लड़की को धमकी देने से कोई मर्द नहीं बन जाता। चिल्ला और चिल्ला, जितना चिल्ला सकता है उतनी जोर से चिल्ला। ये क्या लगता है एसिड डालने के लिए और किसी के पास हाथ नहीं है? देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और होम मिनिस्टर भी तुम्हारी तरह सोचने लगे तो जानता है दुनिया में तुम्हारे जैसा एक भी आदमी जिंदा नहीं बच पाएगा। दूसरों को मारने से पहले सोच कि तुझे भी कोई मार सकता है। अगली बार अगर अमृता की तरफ नजर उठाकर देखा ना तो इस बार तो सिर्फ तेरी उंगली जलाई है, अगली बार पूरी बॉडी जला दूंगा, समझा? सर नमस्ते सर। क्या रे कमलराज, यहाँ क्यों आया? पैसे लेने आया क्या? ये ले पकड़। पैसे लेने आया हूँ तो हाथ में नारियल क्यों रख रहे हो? तुझे तो और भी बहुत कुछ हाथ में देना बाकी है। आ चल चल उधर बैठकर बात करते हैं। अरे बाप रे, बहुत थक गया रे। सर विजयवाड़ा कहा तो बेजवाड़ा कहे कर पलट। आप जब भी देखो बहाना ही करते रहते हैं। पर मेरा 10 लाख रुपए मुझे नहीं लौटा रहे। मैंने अपने माँ बाप से 3 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन मुझे वैजाग जाने में डर लग रहा है। किस गाँव में? वैजाग में। वैजाग में? अरे इधर आ। तेरे दिमाग में भूसा भरा है, उल्टी सीधी बातें करता है। वैजाग को तो इतना मामूली शहर समझता है। मेरे सास ससुर वैजाग के ही हैं। आपके सास ससुर वैजाग के हैं? क्यों, तेरे माँ बाप ही रह सकते हैं वैजाग में, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं रह सकता। जा जा निकल ले। मैं आई कम इन सर। यस आजा आजा। सर आपके लिए गुड न्यूज है सर। क्या मतलब उसे पकड़ लिया? उसे पकड़ने के लिए ही इसे पकड़ कर लाया हूँ सर। अरे ये तो मुझे चूहे पकड़ने वाला लगता है। रुकना, मैं बात कर रहा हूँ ना सर। ये चाहे भले ही चूहे पकड़ने वाला हो, लेकिन इसके मुंह पर अगर ऐसी बातें करेंगे तो इसको बुरा लग सकता है ना सर। रुकना, मैं बात कर रहा हूँ ना सर। इसके पास एक माइक है सर, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि जहाँ कहीं भी उसे रखा जाए उसके 300 मीटर के आसपास के एरिया में एक पिन भी गिरे तो वो उसे कैच कर लेता है सर। हम इसे यूज कर सकते हैं। कौन कहाँ क्या बात कर रहा है उसका पता लगते ही उस लड़के का पता लग जाएगा सर। ओके ओके। बाप रे बाप, मेरा ससुर तो बड़ा खतरनाक प्लान बना रहा है। मुझे पकड़ने के लिए वो इस हद तक जा सकता है तो ठीक है, मैं भी शौक देता हूँ इसको। अरे भोंदू इधर आ। है? अरे कैंटीन में रख दे। ओके। लाइब्रेरी में रख दे। लैब में रख दे। ओके। और क्लासरूम में रख दिया ना तो हमारा काम हो जाएगा। ओके। जा जल्दी सब जगह फिट कर दे। जा जा जा, जा। अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। संभाल कर फिट करना। अभी करता हूँ। आपके चेयर के पास में रख दे। मेरे सिर पर रख दे तेरी तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रमाशंकर, आइए आइए। आपको ही अपना काम पूरा कर दिया सर। कॉलेज के हर कोने में मैंने माइक फिट कर दिया है सर, आपको चाहिए तो चेक कर लीजिए। सभी लोग इंजीनियरिंग खत्म करके जॉब पर जाएंगे, पर मैं अपने प्रिंसिपल को मारकर जेल में चला जाऊंगा। सुपर एक्सीलेंट। वो मुझे मारने की बात कह रहे हैं, तुम उन्हें सुपर एक्सीलेंट कह रहे हो? मैं वो बात नहीं कर रहा था सर, रिकॉर्डिंग की क्लियरिटी की बात कर रहा था। हेलो ब्रदर, क्या प्रिंसिपल को मारने की बात चल रही है? अरे तुम्हारी भलाई सोचते हैं, तुम लोगों को कहां से कहां पहुंचाने की बात सोचते हैं और तुम लोग उन्हें ऊपर पहुंचाने की बात कर रहे हो। मेरी एक बात अच्छी तरह जान लो, जैसे सचिन के बिना क्रिकेट नहीं है वैसे प्रिंसिपल के बिना हमारा फ्यूचर नहीं है। हमारे प्रिंसिपल इंसान नहीं भगवान है। ये क्या सर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। रमाशंकर, मेरी तारीफ होती है तो तुम्हें गड़बड़ लगता है, मुझे कोई गाली देता है तो तुम्हें अच्छा लगता है। क्यों री, आज लेक्चरर रमाशंकर जी अब तक नहीं आए? देखा ना सर, मेरे स्टूडेंट लोग, मैं क्लासरूम में नहीं गया तो डिसअपॉइंट हो रहे हैं, पर्टिकुलरली गर्ल। तो आएगा नहीं, आएगा तो भी लेक्चर नहीं ले सकता। लेकिन क्यों? उसके प्रिपेयर किए हुए नोट्स मैंने फाड़ दिए हैं, आज के लिए उसका ऑडियो कट। ये क्या सर, माइक में कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या? गड़बड़ माइक में नहीं है, तुम्हारे पढ़ाने के तरीके में है। तुम एक सीनियर लेक्चरर हो, प्रिपेयर होकर बता सकते हो ना। लेक्चरर के ऊपर ही कमेंट पास कर रही हो? वो नोट्स इसलिए नहीं बनाते कि उन्हें लेक्चर देना नहीं आता, बल्कि इसलिए बनाते हैं कि कोई पिन पॉइंट भी ना चूक जाए। बात समझ में आई कि नहीं? देखा ना सर, 100 बेकार स्टूडेंट को पढ़ाने से अच्छा है कि मैं एक ऐसे अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाऊं सर। ही इज माय स्टूडेंट, असली हीरा है सर। वेरी इंटरेस्टिंग गाय। स्त्रियां माँ के समान होती हैं, उनके ऊपर कभी बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। हाय वेणु, ऐसे क्यों बैठे हो, कोई परेशानी है क्या? मैंने शर्त लगाना बंद कर दिया है जी। अगर शर्त नहीं लगाओगे तो वो तुम्हें पीटेगा। हाँ वैसे शर्त लगाने में तुमको कोई परेशानी तो नहीं है? मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ और आप लोग इतने गधे हैं, फिर भी आप ही लोग जीत रहे हैं इसीलिए। अरे दिल पर मत लो यार, वैसे भी वेणु ने गलत क्या कहा? करेक्ट,
पर वेणु जी, इस बार हम सोच रहे थे कि चाहे जीते या हारे लेकिन पैसे आपको देंगे। पर ऐसा क्यों करेंगे आप? पश्चाताप। प्रायश्चित करेंगे। अरे बाप रे, गलती सुधारने के लिए। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। पर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, शर्त क्या है? एकदम सिंपल है, हम जो भी कहेंगे आपको उसका अपोजिट बोलना है। ओह, आई एम रेडी। लेकिन यहाँ पर नहीं, कैंटीन में। ओके ना? हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे इंसान है वेणु। बिल्कुल नहीं, बहुत बुरे इंसान है। ऐसा नहीं कहते वेणु। मैं ऐसा ही कहूंगा। वो हमारे भगवान की तरह हैं। बिल्कुल नहीं, वो राक्षस हैं। ए वेणु, तुझे तो मैं लटका कर रहूंगा। कोई बात नहीं, पर हमारे सर रमाशंकर को तो अच्छा मानते हो ना? बिल्कुल बेकार आदमी है, उनको लेसन तक पढ़ने नहीं आता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर तुम तो प्रिंसिपल का सम्मान करते हो और उनके पैर छूते हो। बिल्कुल नहीं, मैं जो करता हूँ वो सब मेरी एक्टिंग है। तुझे तो, तुम उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ, उन्हें बेवकूफ बना रहा हूँ। इसका उन्हें कभी न कभी पता चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे प्रिंसिपल बेवकूफ इंसान है, वो एक बहुत बड़े पागल है। ए वेणु। सर, पकड़ कर लाऊं क्या उसे यहाँ? पहले उस बदमाश को पकड़ना है। आपकी लड़की प्यार के चक्कर में पड़ी है। क्यों भाई, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो? आपको विश्वास नहीं हुआ सर? हम लोगों को विश्वास हो गया है, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? ओके, आप लोग सोचना बंद कर दीजिए, 10 दिन में उसका पता लगा कर आपको बता दूंगा। वेरी गुड, यही स्पीड मुझे चाहिए। वैसे तुम्हें अपने क्लास में किसी पर डाउट है क्या? डाउट बोले तो एक पर तो है मुझे, पर आप क्या विश्वास करेंगे सर? बोल दो ना भाई, अभी कोई भी कुछ भी कहेगा तो उन्हें विश्वास करना पड़ेगा। बोलो बोलो। वो वेणु हो सकता है, इसका थोड़ा सा डाउट कभी कभी होता है मुझे सर। तुम्हें डाउट है ना? मुझे यकीन है। वो बटला, अमृता ने उस नाटे को पसंद किया होगा क्या? सर, सचिन तेंदुलकर की हाइट भी तो कम है सर। अच्छा बोला, लेकिन वो तो काफी काला है। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अंग्रेज के औलाद हो। आप कुछ बोल रहे हैं रमाशंकर? आप कह रहे हैं वो सही है सर, काले लड़के से आपकी लड़की कैसे प्यार कर सकती है? सर सर, वो आ रहा है सर। नमस्ते प्रिंसिपल जी, आशीर्वाद। ए वेणु, उठो उठो। मुझसे कौन सी भूल हो गई सर? एग्जाम में तुझे कितने परसेंट मिले हैं? 99% सर। बाकी का 1% तुम्हारा बाप लाएगा क्या? जाओ। कुछ भी हो इस पर नजर रखो। हाँ ठीक है ठीक है। आई वॉन्ट रिजल्ट इमीडिएटली। मेरे प्रिय विद्यार्थी लोग, हम यहाँ भी हैं जी। ये बात तो मुझे भी पता है, सारे विद्यार्थियों में से इस बार भी हमेशा की तरह परीक्षा में फर्स्ट रैंक लाने के लिए 2 लोगों ने कोशिश की। उंगलियां चार है सर। ओहो, इस बात पर बहुत ध्यान देते हो, क्लासरूम में मैथ पर कोई ध्यान नहीं देता। हमेशा की तरह 2 लोगों ने कोशिश की है और वो दोनों हैं। I'm extremely sorry, अमृता, स्वाइन फ्लू होने के कारण एक भी दिन नहीं पढ़ सका मैं। फिर भी मैं ही फर्स्ट आ गया। I'm extremely sorry। वेणु, जरा इधर तो आना। Yes, sir. अरे क्या हुआ, इतना हिल क्यों रहे हो? फर्स्ट रैंक लाने पे मुझे क्या गिफ्ट देंगे सर? ऐसा मैंने कब कहा कि तुम ही फर्स्ट रैंक लाए हो? आते समय उस लड़की से क्या बातें कर रहे थे? मतलब जनरली हमेशा मैं ही तो फर्स्ट आता हूँ सर। जनरली मैं ही आता हूँ ना। अरे बाप रे, मदर प्रॉमिस बोली क्या मैं नहीं आया? हाथ हटा, हाथ हटा। तू फर्स्ट नहीं आया है, आएगा भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए। जब तक मैं इस कॉलेज में लेक्चरर रहूंगा तू कभी फर्स्ट नहीं आ सकता। मैं जो फेंकूंगा वो पकड़ते रहेगा क्या? फिर मेरे अलावा फर्स्ट कौन आया? मेरा बाप आया है। तुझे क्यों बताऊं, जाकर अपनी सीट पर बैठ। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। बड़ा आया, मुझे काम सिखाने वाला। मेहनत और लगन से पढ़ाई करके तुम दोनों को ओवरटेक करके एक नया स्टूडेंट रॉकेट की तरह ऊपर आया है, और वो स्टूडेंट कोई और नहीं है, वो है अविनाश। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये तो कभी क्लास में नहीं आता, ये फर्स्ट कैसे आ सकता है सर? हाँ, बताता हूँ। कम आओ अविनाश। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर। देखने वाले को शक हो जाएगा, उड़ जाओ वरना मैं फंस जाऊंगा। कीप इट अप माय बॉय, कीप इट अप। तुम आधे भरे हुए घड़े की तरह उछलना मत, हमेशा भरे हुए घड़े की तरह स्थिर रहना, यही मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू सर। ज्यादा ओवर एक्ट मत करना। थैंक यू सर। हाँ ठीक है सर, बेल बज गई, मैं जाऊँ।
बेल बजने के बाद लेक्चरर बाहर जाते हैं। तुम्हारा अगला क्लास है, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। ओके सर। हाँ डैडी आ जाइए, मामा जी यहीं बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। टेंशन मत लीजिए मामा जी, यूं ही जोक किया था। ऐसा कभी करना मत, मैं हमेशा लूंगी नहीं बनता। कभी कभी तो कट ड्राइवर पहनना भी भूल जाता हूँ। ये हाथ में टीसी है क्या? प्रिंसिपल ने वापस निकाल दिया? नहीं मामा जी, फर्स्ट आया हूँ ना तो कॉलेज ने मेमो दिया है। तो फर्स्ट आया है? क्यों, भरोसा नहीं हुआ? देख, अगर मैं कहूँ कि मैं दारू पीना छोड़ दिया और तू कहे कि तू क्लास में फर्स्ट आया, तो कोई बेवकूफ भी विश्वास नहीं करेगा, ऊपर से हम पर हंसेगा। फोर आ रहा है। देखो आज सुबह से 10वां कॉल आया है, मेरे प्रिंसिपल हैं। हाँ हाँ बोलिए सर। काम कहाँ तक पहुँचा? हाँ वही काम पर ही हूँ सर। हाँ वैसे मेरे मामा जी आपसे बात करना चाहते हैं। ओके लीजिए। हेलो बोलिए सर। क्या बोलूँ भाई, हीरा जैसा स्टूडेंट दिया आपने। वो तो भंगार है। लाइए दीजिए। ये सब कैसे हो गया? हाँ सर मैं काम पे लगा हूँ सर। ओके देखा ना प्रिंसिपल ने क्या कहा भी हो, लेकिन अगर ये बात तुम्हारे पिताजी को पता चलेगी तो काफी खुश होंगे। तो आप बोलो। जिसको थोड़ी देर पहले जो कहा था ना वो सच था। बुद्धि है कि नहीं, घर में ही पी रहे हो? वो क्या है राजे, जो प्रिंसिपल फोन करके चिल्लाने के बजाय तुम्हारा भांजा हीरा है, तुम्हारा भांजा सोना है, तारीफ करने लगा तो किसी मामा को खुशी नहीं होगी क्या? और इस खुशी में मैंने थोड़ी ड्रिंक कर ली तो क्या हो गया? अब आप ही बताइए जीजू। क्या ये सच है? मतलब बेटा तुम सही रास्ते पर आ गए। मुझे तुम बेवकूफ समझते हो क्या? यहाँ हैदराबाद में जमीन का भाव गिर गया है, तुम मुझे गाँव में आकर जमीन खरीदने को बोल रहे हो? किसी और को देख लो। अरे यार रे, मैं तुम लोगों को दिखाई नहीं देता या तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई देती? तो उड़ाइए सर। क्या उड़ाऊ मैं, क्या उड़ाऊ मैं, एक झापड़ दूंगा तो उड़ने लगेगा। तुम लोगों को कॉलेज कैंपस में सिगरेट लाकर किसने दिया? आप ही ने सर। मैंने? उस दिन आपको जो बुके दिया था ना उसी में सिगरेट की स्मगलिंग हुई थी। क्या बुके में सिगरेट थी? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। अभी जाकर मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगा। पहले जरा इसको देखिए। क्या दिखा रहे हो? हम लोगों को सिगरेट स्मगलिंग करने वाले रमा शंकर और बगल में हम लोग। सिगरेट कैसे पीनी है ये सिखाते हुए रमा शंकर और बगल में हम लोग। ये फोटोज कैसी लगी सर? इतने शातिर प्लान में तुम लोग ने मुझे क्यों फंसाया? इसीलिए आप हमारी पोल मत खोलिए, हम आपकी पोल नहीं खोलेंगे। ओके सर। ओके कहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता है क्या? तुम लोग ने मुझे इस तरह फंसा दिया है। तो ठीक है अपना फोन दीजिए, हमें मूवी के लिए टिकट बुक करनी है। मेरे पास फोन है, तुम्हें कैसे पता चला? मेरा बैंक अकाउंट नंबर जरा बोलो। OC OC 1234567 8 9। तुम रियल एस्टेट ब्रोकर हो ये भी पता है? हेलो आपका दिमाग घुमाकर ब्लॉक करने वाला ब्रेकिंग न्यूज बताऊं क्या? अभी मैं ब्रेक होने ही नहीं दूंगा, चलो बताओ। प्रिंसिपल साहब की बेटी के लवर को पकड़ने के लिए तुम लोग जो इतनी सारी कोशिशें कर रहे हो ना, वो और कोई नहीं है। अरे एक काम करोगे, मेरा सिर बहुत घूम रहा है, मैं चक्कर खाकर कहीं गिर ना जाऊं, तुम लोग मुझे पकड़ लो यार। ब्राह्मण डार्लिंग, ब्राह्मण डार्लिंग। मेरी बीवी कहां से आ गई? बीवी नहीं मैं हूँ, मिमिक्री की थी। एक बार फिर से करना। ब्राह्मण डार्लिंग, ब्राह्मण डार्लिंग। सही है। तुम्हें एक और ब्रेकिंग न्यूज देनी थी। वो क्या है बेटा? उसके शौक से कहीं कोमा में तो नहीं चले जाओगे? अरे बाप रे बाप, थक गया। हेलो। हेलो कौन है जो बात कर रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं हूँ एनआरआई पार्टी। एनआरआई पार्टी? अरे बाप रे, एनआरआई पार्टी मतलब मालदार। हाँ बोलिए बोलिए। तो फिर रेट क्या है? रेट यही लगभग 10 या 15। इतना कम रेट नहीं चलेगा, मिनिमम 30-40 लाख होना चाहिए। इफ यू स्टैंड फॉर दिस, मैं एडवांस 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। पैसे डालने के लिए अपना अकाउंट नंबर बताऊँ क्या? यस योर अकाउंट नंबर। वो असल में OC OC बैंक है जी। Okay. उसका नंबर है 1234567 8 9। दैट्स गुड, 5 मिनट के अंदर मैं आपके अकाउंट में टोकन अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा, जाकर चेक कर लेना। जाकर क्यों चेक करूंगा, मेरे फोन पर मैसेज आता है ना। देन ओके। अरे इतनी जल्दी मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए? अरे रे 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 रे। अभी जाकर कमलराज को पकड़कर सबसे पहले उसकी जमीन अपने नाम पर करवाऊंगा। अभी उसको फोन लगाकर बोलता हूँ, अब उसको जाल में फंसाऊंगा। एक काम करता हूँ, 50-50 का ऑफर देता हूँ। हेलो, अरे कमलराज कहाँ है तू? इसी एरिया में। कहाँ? लेफ्ट में टर्न लीजिए। लेफ्ट में टर्न क्यों लूं? अरे तू यही है क्या? हाँ सर। फोन कट कीजिए ना, मैं आपके सामने हूँ।
अरे तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अरे वो जमीन का पेपर लाया या नहीं? छुइए मत। अरे ये लीजिए। ऐसी जगह पेपर रखा था, कितनी बदबू आ रही है। अच्छा वो सब जाने दे, ये बता तू अपनी जमीन कितने में देगा? सर मैं उसे 10 लाख में खरीदा और 3.5 लाख रुपए ब्याज के हिसाब से उसका बनता है 13,50,000। अरे बनिए की औलाद, हर बात में ब्याज चाहिए क्या? 13,50,000 बोल रहा है तू? हमेशा भिखारियों जैसी ही बातें करते रहता है। वो सब छोड़, राउंड फिगर में 15 लाख रुपए ले ले। सच कह रहे? ये ले इस पेपर पर जल्दी से साइन कर दे। अरे क्या, मैं तो 100 साइन कर दूंगा। अरे ये चेक लेके जा, अपने अकाउंट में डाल देना, गलती से मेरे अकाउंट में मत डाल देना। बैंक में चक्कर डालने की जरूरत नहीं है सर, मैं भी अपने मोबाइल में नेट यूज करता हूँ। मेरे चेक नंबर से आपका अकाउंट नंबर एंटर करेंगे तो आपका सारा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अरे बापरे, क्या सर आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो और चमक उठे हो, क्या बात है? कोई NRI पार्टी मिल गई क्या? जैसे किसी ने आपके उसी बैंक में 1,00,000 रुपए डाल दिए हो। क्यों रे, इतनी सीक्रेट बात तू कैसे जानता है? क्योंकि मैंने ही डाला था फोन पे, सारी सीक्रेट बातें मैंने ही की थी। इसे टिट फॉर टैट कहते हैं। आप शाने हैं तो आपसे भी डेढ़ शाना कोई है। चलो बाय। अरे बाप रे, मेरे अकाउंट से सारे पैसे किसी ने विड्रॉ भी कर लिए। अरे रुक रुक रुक। नमस्ते सर। आओ बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। लड़कियों को आंखों से देखते हैं, 1% लड़कियों को दिल से देखते हैं। उन 1% में से तुम मेरे लिए नंबर 1 हो अमृता। I love you so much अभी। यहाँ नहीं, कल वैलेंटाइन डे पार्टी है, वो भी अपने कॉलेज में। अपने कॉलेज में? हाँ। हाथ में जो भी आ जाए उसे मार डालो। वैलेंटाइन डे तुम लोग नहीं मना सकते। क्यों? वो अपने कल्चर में नहीं आता। मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, यूथ डे सेलिब्रेट करने पर तो तुम लोग यहाँ पर नहीं आए, तो आज यहाँ पर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने पर क्यों आए हो? और ये क्या मंगल सूत्र? लोगों की सामूहिक शादी कराने वाले तिरुपति बालाजी के मंदिर के पंडित हो क्या तुम लोग? बिना किसी गलती के कई लोग जो ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, रोक सकते हो तो उनको रोको। आधी रात को जो बार और डिस्को के नाम पर गंदे गंदे धंधे करते हैं, रोक सकते हो तो उनको रोको। पान बीड़ी की दुकान पर हर शाम को जो भगवान की फोटो चिपका कर ब्लू फिल्मों का धंधा करते हैं, रोक सकते हो तो उनको रोको। आधी रात के बाद जो बड़े बड़े घरों के लड़के और लड़कियां डिस्को और रेन डांस की पार्टियां करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर जो नंगा नाच करते हैं, दम है तो उनको रोको। रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते ना। तुम क्या सोचते हो कि लवर लोग होंगे तो अकेले होंगे, उनके साथ कोई नहीं होगा और तुम आराम से उनके हाथ पैर तोड़ सकते हो? वो बेचारे तुम्हारे पैर पड़ेंगे, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएंगे। ए, और कोई मारता है तो फूट जाता है, लेकिन मैं मारता हूँ तो कट जाता है। न्यूज़पेपर सर, इसमें क्या है? वो सिद्धार्थ में प्रेम लीला और PSS का झगड़ा। मेरे कॉलेज में वैलेंटाइन डे कैसे हो सकता है? ये सब झगड़ा क्यों हुआ? हाँ सर, जो नहीं होना चाहिए वही हो गया, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है सर। हाँ सर, इन्हीं ने हमारे लिए वैलेंटाइन डे पार्टी अरेंज की थी, इन्हें क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा।
मैंने कब अरेंज किया रे बेवकूफ, हमेशा मुझे ही फंसाते रहते हो। इसमें फंसाने की क्या बात है सर, आपने तो एक भले इंसान की तरह इसे अच्छा समझ कर किया था, अब बताने से मना क्यों कर रहे हैं? इसमें अच्छा क्या था? एक्चुअली ने सर ये हुआ कि ये वैलेंटाइन डे पार्टी अरेंज करके उसमें से उस लड़के का पता लगाकर आपके सामने लाकर उसकी हड्डियां पसलियां एक करना चाहते थे, मतलब ये सब आपके लिए कर रहे थे, है ना सर? मैंने वैलेंटाइन डे पार्टी करना कॉलेज रूल्स के खिलाफ है। मैंने भी यही कहा था सर, आपने क्या कहा था आप भूल गए सर? तुझे तो सब कुछ पता रहता है ना, अब तू ही बता दे। तब आपने ये कहा था कि अमृता मेरी बेटी जैसी है, उसके सामने रूल्स की कोई कीमत नहीं है, उसके लवर्स को पकड़ना मेरे लिए सबसे जरूरी है, चाहे उसके लिए मेरा जॉब भी क्यों ना चला जाए। और ये कहकर ये बुरी तरह रोने लगे सर। देख लिया ना सर, इतना सब कुछ इन्होंने आपके लिए किया और इसके बाद भी ये साइलेंट है। मन में इतना बोझ रखे थे और मुझे नहीं बताया रमाशंकर। वो क्या है कि मुझे पता ही नहीं था सर कि मेरे मन पर किसका बोझ है और किस लिए है, जब तक ये पता ना चले आपको कैसे बताता सर। इट्स ओके, वैसे वैलेंटाइन डे के कारण कुछ क्लू मिला क्या? क्लू तो मिला है सर, आइए सर आइए, ये लीजिए सर देखिए। क्या है ये? यही है जो हमें क्लू में मिला है। हाय अमृता, लव लेटर है सर। माय गॉड, देखिए ना सर, उसने आपको पोस्टमैन और हम सबको पोस्ट बॉक्स समझ कर ये लेटर रखा है। ये लेटर मुझे दो। लीजिए सर। ये क्या, ये तो कविता लिखी हुई है। इस कविता में तो क्लू है सर। सॉरी सर, देखिए इन लाइंस में क्या लिखा है, अभी तक कोई प्रेमी हारा नहीं है तो हमारे प्यार को जीतना पड़ेगा। बिना देखे ऐसे पढ़ रहा है जैसे तूने ही लिखा है। सर इस लाइन को इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि बाई हार्ट हो गई है। अच्छा ठीक है पढ़ो। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि ये कोई हॉकी प्लेयर है। मतलब अब हमें स्पोर्ट्स अरेंज करना होगा। यही अरेंज करवाना तो उसका प्लान है। ऐसा करने से हमें बड़ी आसानी हो जाएगी सर, अरेंज कीजिए। सही है सर, वो आपको एक झटके में मिल जाएगा। क्या अपने कॉलेज में स्पोर्ट्स? नो वे। ये भी सही है सर, आप अपनी बात पर अड़े रहिए प्लीज। तुम्हारी तो नजर में कोई भी कुछ बोले सब करेक्ट है, तुम्हारी खुद की सोच नहीं है क्या? अब मैं आपको क्या बताऊं सर, इस समय मुझे कोई भी कुछ भी कहता है तो मुझे अच्छा ही लगता है। ये कैसी बात कर रहे हैं सर, आप स्पोर्ट अरेंज कीजिए, मैं बहुत अच्छी हॉकी खेलता हूं सर, देखना वो यहां पर जरूर मिल जाएगा। सी मिस्टर अविनाश, दिस इज लास्ट चांस फॉर यू। ठीक है सर, अब चलिए ना सर, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। चल हाथ हटा, पहले प्रिंसिपल के सिर पे हाथ रखा, अब मेरे कंधे पर हाथ रखता है। हेलो, कौन? मैं हूँ सर, जिसे आप प्यार से बदमाश कह के बुलाते हैं। क्या सर, अगर आपको मुझे पकड़ने में परेशानी हो रही है तो बता दीजिए, मैं खुद ही आ जाऊंगा। तू कौन है? हाँ मैं ही हूँ। मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगा। अरे मैं तेल की तरह हूँ, जिसे ना तो पकड़ सकते हो और ना ही छुड़ा सकते हो। थोड़ी और कोशिश करके देख लो, थक जाओ तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें अपने आप को पकड़ने का कोई अच्छा सा आइडिया दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे तब भी नहीं पकड़ पाओगे। जी, फोन कट कर रहे, पैसे बेकार जा रहे हैं। बदमाश, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है प्रिंसिपल साहब ने? इन बड़ी बड़ी बातों को मैं कैसे समझूंगा सर, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। तू बच्चा नहीं, एटम बम है बेटा। आपने मुझे बुलाया क्या सर? ये सब क्या है? उसने फोन करके मुझसे कहा कि जब चैलेंज पूरा नहीं कर सकते हो तो क्यों करते हो, ये कह के बेइज्जती की। उसकी इतनी हिम्मत की आपसे फोन पे ऐसी बात की? आप अपनी एक्टिंग थोड़ी देर बंद रखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ ना। सर आपसे फोन पर बात करके उसने बहुत बड़ी गलती की है सर, शेर के जबड़े में उसने अपना हाथ डाल दिया है। आप वो नंबर मुझे दीजिए, उसकी इंक्वायरी करके मैं बताऊंगा वो कौन है। दीजिए सर। सर फोटो सर, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। मिड डे 9:12 टाइम्स, DNA, गुजरात समाचार, जहाँ चाहो फोटो छपवा दो। सर वो बात नहीं, चुप रहोगे? सर मुझे नंबर दीजिए, ये नंबर लो और चलो, मैं चलता हूँ सर। हेलो, ओवर एक्टिंग मत करो वरना मुसीबत में फंस जाओगे। क्या सर, ऑफिस में ज्यादा ही जोश में आ गए थे आप, आपको क्या लगता है मेरे पास फोटो नहीं है? ए विजय, चल वो फोटो निकाल। अरे वीपी के साथ वाली फोटो। सॉरी यार, पैसों की जरूरत थी तो फोटोज और नेगेटिव्स वीपी जी को 500 रुपए में दे दिया। क्या कहा, चंद पैसों के लिए फोटो भेज दी? वो तो मित्र द्रोही है, तू तो गुरु द्रोही है रे, और मुझसे भी स्वामी द्रोह करवा रहा है। बाप रे बाप, तूने मेरे ऊपर कितने जुल्म किए हैं मैं क्या बताऊं? बेटे अभी आईडी प्रूफ आना बाकी है, फिर देखना तेरे टायर से हवा कैसे निकलती है। आपका टायर पंचर होगा तो मेरी हवा कैसे निकलेगी? मैंने अपने नंबर से फोन थोड़ी किया था, वो तो आपका नंबर था, देखिए ये रहा वो नंबर। ये मेरा नंबर है? अरे मैं मरते तब तक तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा, तू एक बार इस मुसीबत से छुटकारा दिला। जो चल रहा है चलने दीजिए। ये क्या है, आईडी प्रूफ मेरे नाम से है? आपकी बेटी ने दिया होगा सर, क्यों है ना सर? मेरी आवाज नहीं निकल रही है, तू ही बात कर। कौन है अंदर? नागी रेडी नहीं है? नागी रेडी,
ओए नागरेडी, तू कौन है रे? हम बिल वसूल करने आए हैं। वी आर फ्रॉम एयरसेल फोन कनेक्शन। तू एयरसेल फोन कनेक्शन से है तो उनका नाम लेकर बुलाएगा क्या? देखिए सर, कॉलेज को कॉलेज कहेंगे, बस स्टॉप को बस स्टॉप कहेंगे, हॉस्टल को हॉस्टल कहेंगे, तो नागीरेड्डी को नागीरेड्डी कहेंगे ना। ए, अब ये लोग कौन आ गए? मेरे फ्रेंड्स हैं, पार्टी के लिए पैसे नहीं दिए इसलिए बुला लिया। अच्छा ठीक है, जिस काम के लिए आए हो करके जाओ। हाँ, कॉलेज हो गया, बस स्टैंड हो गया, हॉस्टल हो गया, क्या मैं इन्हें अपने साथ लेके जाऊँ? तो उनके साथ बात कर। एक ऑफर है सर, संक्रांति के त्योहार पर सिम कार्ड फ्री दिया जा रहा है। आपके ऊपर जो 5,000 का बिल चढ़ा है वो क्यों नहीं दे रहे हो? चलो भर दो पैसा। मैं नहीं भरूंगा। क्या कर लोगे? क्या करूंगा? बिल नहीं भरोगे तो इस कॉलेज को जब्त कर लूंगा। सिर्फ कॉलेज ही जब्त करोगे या घर भी जब्त कर लोगे? आपने बिल भरा? मैं बिल नहीं भरता, मेरा प्रीपेड कार्ड। क्या कह रहे हो? अगर बिल नहीं भरूंगा तो ये कॉलेज जब्त कर लेंगे क्या? मतलब आजकल फोन वाले बहुत कड़क हो गए हैं सर। दे दीजिए सर, वैसे भी अगले महीने पता नहीं कितना बिल आएगा। हेलो, तू वाइन शॉप के पास ही खड़ा रहे, मैं पैसे लेके अभी आता हूँ। उसके साथ चिकन पीसेस भी ले लेना, और एक बात, उस शॉप से फिश फ्राई भी ले लेना, बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पे। वाइन शॉप की बात क्यों कर रहे हो? मतलब शायद उन्होंने भी पैसे नहीं भरे होंगे सर। ये तो बहुत बड़ी स्कीम दिखा रहा है। ये फोन की स्कीम में फिश फ्राई कहाँ से आ गया? देखिए ना सर, वो अक्सर टाइम पर खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए जहाँ टाइम मिलता है वहाँ खा लेते हैं, रोड पर ही सही, इसलिए। तो बिल भर दूं क्या? बिल तो भरना ही पड़ेगा सर, उसकी स्कीम ही ऐसी है कि। उसकी? उसकी क्या? उसकी नहीं सर, उनकी स्कीम ही ऐसी है सर। ये नंबर मेरा ब्लॉक कर दो। ओके सर, चलो। बेकार कंपनी और बेकार। हाँ ला दे, अब जाना, देख क्या रहा है। अरे एक नारियल में 2 स्ट्रॉ डालकर पियेंगे तो मजा आएगा ना। ये ले 2 स्ट्रॉ डाल ले। ओके ओके। अरे रुक रुक रुक। अरे भूखड़ कहे की 2 स्ट्रॉ में तू ही पीने लगी, एक मेरे लिए था ना। सॉरी जी। कोई बात नहीं, ले ये भी तू ही पी ले। ऐसा क्या, थैंक्स। अच्छा सुन, तू कभी रामूजी फिल्म सिटी घूमने गई है क्या? मुझे कौन घुमाने ले जाएगा? तू हाथ तो बोल, मैं लेकर जाऊंगा ना। तो ठीक है, 3 टिकट निकालो। 3 टिकट क्यों निकालूं? हम लोग तो 2 जन ही है ना। हाँ, गांव से सिस्टर आई है। अरे रमा शंकर, तू तो बहुत ही लकी निकला यार, बड़ी के साथ साथ छोटी तो ऑफर में आ गई। हाँ ठीक है ठीक है, लेट अस मूव। ये लो मूव। ये मूव किस लिए? सीन के बाद जरूरत पड़ेगी। सीन के बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि छोटे आएंगी ना इसलिए। छोटे क्यों आएंगी? ये तो बहुत अच्छी मिमिक्री कर रही है, एकदम मेरी बीवी जैसी बोल रही है। तुम्हारी बीवी जैसी नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारी बीवी ही हूँ। कौन है रे तू? मेरे पति के साथ पार्क में बैठकर नारियल पानी पी रही है? अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारे पैर में मोच आ जाएगी। तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पार्क में बैठे हैं? ऐसी बातें औरतों से छुपती नहीं है सर, पत्नियाँ अंतर्यामी होती हैं। तू है द्रोही। क्या आप वाइफ द्रोही नहीं है? लक्ष्मी जैसी पत्नी को धोखा नहीं दिया आपने? तो रामोजीरा फिल्म सिटी जाना है। मैंने कब कहा कि फिल्म सिटी जाऊंगा? तो रशियन सर्कस देखने जाओगे? मैं तो खुद ही सर्कस के जोकर जैसा दिखता हूँ, मैं क्यों सर्कस देखने जाऊंगा? तो तुम्हें अवतार मूवी देखने जाना है? ये अवतार देख लिया, अवतार मूवी देखकर क्या करूंगा? मैडम मारने के लिए ये चलेगा? हाँ। ये क्यों दे रहा है? पार्क में मारेगी तो पब्लिक भी मारेगी। चलो भागो यहाँ से। अरे कहाँ फंस गया? चलो भागो भागो। अरे रुको, अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, रुको रुको। आ रही हो? अरे मेरी जान तो बचाओ, अरे मेरे पीछे बचो, अरे मेरी माँ, आपके बच्चे की नहीं करूँगा, अब मत मारो। अरे कोई बचाओ, तू मजाक कर रहा है? लगा दीजिए कर रहा है, छुप जाता कब दिखाई देता है, बच जाऊंगा। हे भगवान, बच गया। इसको तो भगवान ने खाली बॉडी दी है, दिमाग तो दिया ही नहीं है। ऐसे ही घूमती रहे घूमती रहे, थोड़ा तोड़ेगी तो कुछ तो वजन कम हो जाएगा। चलो मैं चलता हूँ। ला 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 ला। अविनाश सर इधर आओ। सर ये देखो, फिर से उसने लेटर लिखा। अच्छा सर, क्या हुआ सर? कैसा पेपर है? देखो। क्यों रे, फिर से लेटर लिख दिया? अरे ये क्यों लिखेगा? हो सकता है सर, लेटर आपके लिए रखा हो और आपने निकाल लिया हो, है ना सर? उस बदमाश ने मेरी बेटी को इंदिरा पार्क में आने के लिए कहा है। इंदिरा पार्क में क्यों? लुम्बिनी पार्क में लेके जा, जा जा लेके जा, जा। ए, तुम पागल हो गए हो, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? वो ऐसा है क्या सर? मैं क्या बताऊं सर, यही बता रहा है, आप सुन लीजिए। सर इन्होंने बहुत समझदारी की बात की है, इस लेटर में इंदिरा पार्क लिखा है ना, हम इसका गार्डन बदल देते हैं, इसकी जगह पर लुम्बिनी पार्क लिख देते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि आपकी बेटी लुम्बिनी पार्क ही जाएगी। और सर ये चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी की सिक्योरिटी के लिए साथ में जाऊंगा। मैंने ऐसा कब कहा रे? सर आजकल आप बहुत सारी बातें भूलने लगे। उसके बाद आप दोनों वहाँ पहुँचकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। सर सर मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, उसकी बात मत सुनिए। फॉलो मी। अरे मुझे एक बोतल जहर ला कर दे दे। किस लिए सर? ये टेंशन सहा नहीं जा रहा है, आत्महत्या करना चाहता हूँ। जहर आजकल बहुत महंगा हो गया, कहो तो चूहे मारने की दवा ला दूं। रमाशंकर सर, ये एडवेंचर कैसा है? इनको एडवेंचर की सूझ रहे, मैं इनके पीछे पीछे भिखारियों की तरह घूम रहा हूँ। कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ बोल रहा हूँ सर, ये बहुत अच्छी जगह है। मैं एक बार अंदर जाके आऊँ? अंदर जा कर आएंगे, चेक करके आता हूँ। ओ देखिए देखिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। आई एम सॉरी। रमाशंकर सर, ये लोग पौधों में इस तरह क्यों घुस जाते हैं? मैं पूछ कर आता हूँ सर। ए तुम कहाँ जा रहे हो? बात करने के लिए सर। बातें तो बाहर भी हो सकती हैं, पौधों के अंदर जाने की क्या जरूरत है? सर सुहाग रात घर के अंदर ही क्यों मनाते हैं, मंडप में भी तो मना सकते हैं ना। सॉरी सर, पूछते भी हैं और खिलाते भी हैं। अरे क्या रामशंकर थक गए हो क्या? अरे मुझे तो मजा आ रहा है सर। यहाँ पर आए हुए एक घंटा हो गया है, वो अभी तक आया नहीं। एक काम करते हैं सर, दोनों मिलकर यहाँ पर घास छिले। उल्टा सीधा क्या बक रहे हो? और क्या करूँ सर, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि वो यहाँ नहीं आएंगे, पूरे पार्क में आपने मुझे परेड करवा दी, एक बार भी नहीं पूछा समोसा खाओगे कोल्ड ड्रिंक पियोगे। तुम क्या मूवी देखने आए हो क्या, जो समोसा खाओगे और कोल्ड ड्रिंक पियोगे? हाँ वहाँ ऑलरेडी हॉलीवुड का सिनेमा चल रहा होगा। हाँ इंदिरा पार्क में, वहाँ तो लड़की जाएगी ना? जहाँ लड़की होगी लड़का भी तो वहीं जाएगा ना। पर लड़का तो यहाँ आने वाला था ना? क्या पता सर, यहाँ आने को बोलकर वहाँ चला गया होगा, या वहाँ जाने को बोलकर यहाँ चला आएगा, या यहाँ वहाँ छोड़कर कहीं और चला गया होगा, किसको पता है। अरे रमाशंकर तुम मुझे पागल कर दोगे क्या? मैं ऑलरेडी पागल हो गया हूँ सर। मतलब वो यहाँ नहीं आएगा क्या? अब वो यहाँ क्या आएगा सर, अब तक तो वो वहाँ एक कोल्ड ड्रिंक में दोस्तों डालकर पी रहे होंगे, या फिर कहीं दरिया किनारे रंगरेलियां मना रहे होंगे।
नजरों से दिल भरा मुश्किल पर दिन है जीना 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 मन मेरा क्यों यूं मचल रहा दिल मेरा बोले करीब अब नहीं मुझको तो आता है चला बात करती हूँ ओके ये अविनाश कहाँ है यस हेलो सर मेरी बेटी के साथ प्यार का ड्रामा करने वाले का पता चल गया वो कौन है सर अरे वही चैलेंजर हाँ अपनी बेटी के साथ बात करते सुना है उसे तुमसे डर लगता है उसे तुम पकड़ सकते हो अब उसे पकड़ना ही होगा अविनाश दरअसल मैं इसी का तो इंतजार कर रहा हूँ सर ये मैच खत्म होने से पहले मैं उन दोनों को अलग कर दूंगा थैंक्स अविनाश तुम्हें जीतना होगा इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सर चलो उठो उठो वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है कल तुम्हारे लिए साईं बाबा के मंदिर जाकर पूजा भी करूंगा और मैच में उसका पता लगते ही उसकी शादी भी करवाऊंगा इसी के लिए तो ये सब हो रहा है क्या कुछ नहीं सर मैं उसे आपके हाथों से पिटता हुआ देखना चाहता हूँ सर ओके दिस इज द फर्स्ट इंटर कॉलेज सेमीफाइनल मैच वी आर प्लेड बिटवीन वर्धमान इंजीनियरिंग कॉलेज वर्सेस सीबीएसआर इंजीनियरिंग कॉलेज द मैच हैज स्टार्टेड नाउ फॉर द Now the second semi-final between Siddhartha Engineering College versus the Pragati Engineering College is about to start. आइए सर, बैठिए। आज तो यहाँ बहुत रंगीन तितलियाँ आई हैं सर। मकसद पर ध्यान दो। आज उसे किसी भी हालत में पकड़ लूँगा सर। आज वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। जिसको देखकर आपकी बेटी तालियाँ बजाने लगेगी, वही वो लड़का होगा। सर आप बड़े लकी हैं सर वो लड़का मिल गया अविनाश हमारी लड़की से प्यार कर रहा है आप गलत सोच रहे हैं सर आपकी लड़की अविनाश से प्यार करती है हाँ अरे बाप रे कोई भी गोल करते हैं तो ताली बजाने लगती है अभी क्या मेरी बेटी सभी से प्यार करती है फाइनल।
Now I invite our college chairman and principal, Mr. Nagareddy, to come on the dais. Sir, आपको बुला रही हूँ. यहाँ उपस्थित जजेस, पेरेंट्स, पिछले 15 सालों से ये कॉलेज प्लेसमेंट में फर्स्ट, रैंक में फर्स्ट, बट स्पोर्ट्स में लास्ट, पर आज हम स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट रैंक पर पहुंच गए हैं. उसका कारण आवर बिलव्ड स्टूडेंट मिस्टर अविनाश. प्लीज कम ऑन टू द डैश. इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है. मैंने अपनी लाइफ में जो देखा है उसमें सबसे नंबर वन प्लेयर हैं. सामने वालों को चैलेंज करके खेलते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं. हमने अगर थोड़ी भी लापरवाही की, गोल जीत उसकी तरफ हुई और हार मेरी तरफ. मुझे बचपन से सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान रहता था, मुझे खेलना नहीं आता. इसलिए अविनाश के अंदर के महान प्लेयर को मैं समझ नहीं पाया. आई एम सॉरी. अभी तक मेरे सामने ही बड़े शातिर दिमाग से फाइनल तक आ गया. इसको देखने के बाद ही पता लगा कि इंसान को किसी ना किसी खेल में माहिर होना ही चाहिए. एम आई राइट अविनाश? आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय. Hey! Batman! तुम्हारे ही कॉलेज में रहकर तुम्हारे ही कॉलेज के रूल्स के खिलाफ तुम्हारी बेटी से प्रेम करूंगा. चैलेंज किया था कल ने. वैसे इंसान को माला पहनाकर अभिनंदन करना चाहिए. चप्पलों का हार पहनाकर अपमान नहीं करना चाहिए. आप ही बताइए ऐसा क्या देख रहा है. देखो हाय अविनाश. हाय. हाय अमृता. हाय. क्या बात है? यो दोस्त, क्या मामला है? क्या हो सकता है, अपने प्रिंसिपल ससुर को किसी और स्कीम में फंसा दिया होगा. और कोई काम नहीं है क्या रे? चल छोड़ना ये बातें. अच्छा, पहले हमें भी ऐसे ही लगा, लेकिन उसी के बेटी से प्यार करके मैं कौन हूँ ये पता करो ऐसे खुद ही चैलेंज करके तूने उसे बेवकूफ बना दिया. तभी पता चला कि वो कितना बेवकूफ आदमी है. मेरे डैडी के बारे में कुछ मत बोलो. इतने इंटेलिजेंट इंसान को कैसे बेवकूफ बना दिया? जानता है, इस दुनिया में जो भी अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है ना, वही दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होता है. बहुत अच्छी चाल चली है तूने. ऐसे कितने साल चलने वाला है? कितने साल चलेगा ये तो नहीं सोचा है, लेकिन कैसे चलेगा ये जरूर सोच लिया है. कैसे? अरे यार, तुम लोग बस देखते जाओ क्या क्या करता हूँ. अपनी शादी का मंडप मैं अपने ससुर जी के हाथ से ही बनवाऊंगा. अपनी शादी में खाने का सारा सामान ससुर जी के हाथ से ही उठवाऊंगा. ऐसी ऐसी चाले चलूंगा कि शादी होने तक तो बेचारे पागल हो जाएंगे. देख लिया इसका नाटक. अपने बेटे को सिर्फ बड़ा करने वाला बाप नहीं होता है, जिम्मेदारी समझकर अच्छा रास्ता दिखाने वाला ही बाप होता है. यू आर अनफिट टू बी अ फादर. बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं ये तो सीख लो. ए, मिस्टर को ज्यादा बोल रहे हैं. सिक्योरिटी, इस इडियट को बाहर फेंक दो. Oh.
मैं जिंदगी भर शराब पिया और बेकार बैठा रहा, पर मेरे जीजू का सर झुक जाए ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया। ये कैसा पागलपन है, तेरी वजह से आज सारे लोगों के सामने हमारा सर शर्म से झुक गया। छी छी, इतने लोगों के सामने डैडी को वो कैसे कैसे सुना रहा था, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। सॉरी डैडी। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है अविनाश, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, प्यार किया है, और प्यार का साथ देने वाले कम, रोकने वाले ज्यादा होते हैं। डैडी डोंट वरी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम एक साल में तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा मैं, क्या कहते हो? कभी नहीं हो सकता। अविनाश ने जो भी किया उसे सब लोग सही कह रहे हैं, तो आप कैसे रॉन्ग कह सकते हैं डैडी? शट अप। इतने दिन उसके साथ मिलकर छुपा छुपी खेलने वाली तुम मुझे सिखा रही हो। डैडी उसने ऐसे क्या गलती की है? जिंदगी जीने के लिए पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई झगड़ा मस्ती एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, तो उसी को कॉलेज बोलते हैं ऐसा बताया उसने, वो गलत कहा है डैडी? क्या गलती है उसकी? हाँ, हम पढ़ाई के नाम पर कितने लोगों को टॉर्चर करते हैं, अविनाश ने मुझे उसका एहसास कराया। क्या ये सच नहीं है कि माइक लगाकर स्टूडेंट्स के फीलिंग्स को आपने सुना था? किसी एक भी स्टूडेंट ने आपके बारे में अच्छा कहा डैडी? और अविनाश को आपने सबके सामने अपमान करके कॉलेज से बाहर निकलवा दिया डैडी, वो अब कॉलेज नहीं आएगा। Are you happy now? आप जीत गए डैड, आप जीत गए, मैं और मेरा प्यार हार गए। Congrats डैड, congrats डैड, congrats। दुश्मनी सिर्फ उस अविनाश से नहीं, वो नागी रेड्डी और उसकी बेटी से भी है। मुझे लात मार कर भगाया था ना, उसे हॉकी स्टिक से मारूंगा, एसिड गुलाब पर डाला था ना। अब मैच जीतने के बाद अगर मेरे लव को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये एसिड उसके मुंह पर डाल दूंगा। गुड मॉर्निंग रेडियो हैदराबाद, सिटी के लिए आज का दिन बहुत प्रेशियस है। इंटर कॉलेज हॉकी कंपटीशन में फाइनल के लिए हिस्सा लेने वाले इंस्टीट्यूट सिद्धार्थ एंड इंस्टीट्यूट वर्धमान आमने सामने आने वाले हैं। हाय मिस्टर पवन, यू सीम टू बी वेरी एनर्जेटिक अपोजिट टीम मेंबर अविनाश, उनका न होना आपके लिए प्लस पॉइंट है। हमें किसी भी अविनाश या से डरने की जरूरत नहीं है, वी आर गोइंग टू बीट दिस मैच एंड वी आर द चैंपियंस। ओके गुड लक। हाय। हेलो कैप्टन, अविनाश के ना होने से आप कैसा फील कर रहे हैं? उसके बगैर मैच जीतना मुश्किल है, फिर भी हम उसके सिखाए तरीकों से मैच जीतने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम रेडियो हैदराबाद। मॉर्निंग व्यूअर्स, वी आर गोइंग टू विटनेस अ वेरी थ्रिलिंग मैच बिटवीन सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज वर्सेस वर्धमान इंजीनियरिंग कॉलेज। गोलकीपर यस, रेडी आर? रेडी सर। यस रेडी। द फाइनल मैच हैज स्टार्टेड एट द वेरी प्रेस्टिजियस फाइनल राउंड बिटवीन दो इंजीनियरिंग कॉलेज। वर्धमान टीम के कैप्टन पवन का कॉन्फिडेंस काफी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। The match has started again and Pavan is in the control of the ball. He is doing it very quickly and how well he is attacking the ball. And now you can see how he's attacking the ball. And definitely.
अविनाश को फोन करो यार। फोन उठा नहीं रहा। अविनाश को बुलाइए सर। यस सर। ये नहीं होगा। सर लड़कों को मार रहे हैं। अविनाश को बुलाइए सर। थोड़ा सोचिए सर। आप कुछ कीजिए ना सर। हाफ टाइम से पहले वर्तमान टीम 3 गोल से सिद्धार्थ टीम से लीड कर रही है। क्या वर्तमान टीम की लीड करेगी या सिद्धार्थ टीम? चलिए देखते हैं। अरे रे रे रे, कोई फायदा नहीं। कहाँ गए? कॉलेज का मतलब स्पोर्ट्स इवेंट्स कल्चर इवेंट्स भी होता है। ये मैंने काफी लेट जाना। अपने कॉलेज को जिताओ, जाओ। ये क्या मुंह लेकर आया रे तू ग्राउंड में? कौन से कॉलेज की तरफ से खेल रहा है? सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अविनाश, हम यही ग्राउंड में रहेंगे तुम्हारा खेल देखने के लिए, तुम्हारी जीत देखने के लिए। ऑल द बेस्ट। देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बैठिए। अविनाश को लेकर आपने बहुत अच्छा किया सर। वो खेल का मार ज्यादा रहे हैं। तो तुम भी उनको मारो। अगर वो एक मारते हैं तो दो मारो, वो दो मारते हैं तो तुम 4 मारो। हड्डी पसली एक कर दो उनकी, पटक पटक कर मारो। उनको दिखा दो कि असली हॉकी क्या होती है, या फिर दोबारा हॉकी पकड़ने के लायक न रहे वो लोग। Thank you.
ऐसा होता ही है। मारोगे तो बेचारा मर जाएगा। अविनाश चल। अविनाश, इतने दिनों तक वो मुझसे क्यों नहीं प्यार करती, तुमसे क्यों प्यार करती है? ऐसे ही सोचता रहता था, पर अब मुझे पता चला कि किसी के प्यार को पाने के लिए जान लेनी नहीं बल्कि जान देने की हिम्मत करनी पड़ती है। तुम बिल्कुल सही थे अविनाश, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी अमृता। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुमने सिर्फ प्यार हासिल नहीं किया बल्कि उस पागल से अपने प्यार को बचा भी दिया। वेरी गुड। अरे भाई, दामाद किसका है? आपने दामाद क्या दिया, मतलब मेरे बेटे को क्लियरेंस मिल गया? वाह, इतनी जल्दी क्लियरेंस मिलने वाला नहीं है। एक लड़की और एक लड़के की शादी के लिए बीपी सर्टिफिकेट, शुगर सर्टिफिकेट के साथ ही एचआईवी सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है। सर्टिफिकेट दिखाओ, शादी कराओ। क्या सर, आपकी आदत अभी तक सुधरी नहीं, फिर पीछे पड़ गए? मैं कहाँ पीछे पड़ा हूँ, मैं तो उल्टा दो कदम आगे आया हूँ। अरे सर, सर्टिफिकेट तो पहले ही जमा कर दिए। हाँ सर। अरे बाप रे, इतने दिनों तक इस मामूली पेपर को लाइट बिल समझ रहा था। अरे भगवान, ये कोई मामूली बदमाश नहीं है, इंटरनेशनल बदमाश है।